दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ए के मूवी फेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे फैंस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2023 में रिलीज हुई सलमान खान की मच अवेटेड मूवी इसका नाम है टाइगर थ्री तो दोस्तों ये मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा एच क्वालिटी में इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइगर थ्री मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस मूवीज को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था और इस मूवीज ने अभी तक रिलीज होने के बाद एक हफ्ता में कितनी कमाई कर लिया है बॉक्स ऑफिस पे यानी कि ये फिल्म हिट हुआ है या फिर फ्लॉप हुआ है इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आप लोग को देने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप लोग टाइगर थ्री मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस मूवीज़ को देखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए तो चलिए दोस्तों अब हम से विस्तार में बात कर लेते हैं टाइगर थ्री फिल्म के बारे में बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है और इस मूवीज को यशरस फिल्म के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है वही भी दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर सलमान खान कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी ने अभिनय किया है वही दोस्तों बता दें आपको ये फिल्म टाइगर जिंदा है मूवी की साल 2017 में रिलीज हुई की अगली कड़ी है वहीं पे ये फिल्म वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स में पांचवी किस्त है इसी के साथ आपको बता दें फिल्म टाइगर जिंदा है मूवी साल 2017 में और वार फिल्म 2019 और पठान फिल्म 2023 की घटनाओं पर फिल्म की कहानी आधारित है जो कि टाइगर जिंदा है की घटनाओं के बाद टाइगर और जोया को आतिश रहमान नाम के एक पूर्वा आई एस एजेंट द्वारा फिल्म के अंदर देश द्रोह के रूप में फसाया जाता है और वो अपना नाम साफ करने के लिए जान लेवा जो है धर्म पर उतर आते है। दोस्तों ये कहानी आपको इस मूवीज के अंदर देखने को मिलती है अगर बात करें फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की तो इस मूवीज की फोटोग्राफी मार्च 2021 में दिल्ली मुंबई और इस्तांबुल में शुरू हुआ था इस्तांबुल में सेट जो है पीटर्स और में फिल्म फिल्मांकन के साथ जो शुरू हुई और फिल्म का साउंड के बारे में हम बात कर ले तो प्रीतम द्वारा तैयार किया गया है फिल्म के म्यूजिक को जबकि आपको बता दें बैकग्राउंड स्कोर तनुज द्वारा तैयार किया गया है वहीं इस मूवीज की बजट के बारे में हम बात करें तो इस पूरी फिल्म को बनाने में तीन करोड़ रुपए खर्च हुए हैं या दोस्तों और ये एक बहुत बड़ी रकम है किसी हिंदी बॉलीवुड फिल्म के लिए टाइगर थ्री फिल्म को दिवाली के मौके पर जैसे कि आप लोग को पता है 12 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था आई मेक्स और फिर अन्य प्रीमियर जो है प्रारूपों में रिलीज किया गया था और दोस्तों रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है खास करके फिल्म का एक्शन दृश्य और उनकी जो प्रशंसाएं हैं और फिल्म में जो टेक्निकी पहलू का इस्तेमाल किया गया है वो भी ठीक ठाक है वही दोस्तों विकास के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म की विकास दो की शुरुआत में ये बताया गया था कि फिल्म टाइगर जिंदा है मूवी का साल दो का सीक्वल विकसित में आया हुआ है इसमें मुख्य अभिनेता अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे और 2020 के एंडिंग तक जो है अली अब्बास जाफर की जगह लेते हुए मनीष शर्मा को फिल्म का निर्देशन करने के लिए चुना गया था अब अभिनेता सलमान खान और कैटरीना कैफ को पूर्वा वर्तियों की भूमिका को दोबारा निभाने की पुष्टि की गई थी और फिल्मांकन मार्च दो के तीसरे हफ्ता में शुरू होने की सूचना भी मिली थी 26 फरवरी 2021 को मुंबई के वाई स्टूडियो में एक पारंपरिक पूजा आयोजित की गई थी फिर 4 मार्च 2022 को यशराज फिल्म द्वारा इस परियोजना की आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी वही दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बात कर ले तो आपको बता दें सानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थे इस मूवीज के लिए और फरवरी दो में सलमान खान और कैटरीना कैफ के टाइगर और जोया के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराने की पुष्टि कर दी गई थी साथ ही इमरान हाशमी ने भी इस परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे टाइगर जिंदा है मूवी में अनुपस्थिति रहने के बाद रणबीर शैरी की फ्रेंचाइजी में वापसी की घोषणा कर दी गई मिसाल जेठवा अक्टूबर दो में कलाकारों में शामिल हुए थे जबकि जो है रेवती और रिद्धि जो है डोगरा को एक महीने बाद चुना गया था फिल्म के अंदर शाहरुख खान और ऋतिक रोशन ने कैमियो भूमिका में क्रमश पठान और मेजर कबीर जो है धाली वाला के रूप में अपनी भूमिका इसमें दोहराई है वही दोस्तों प्रमुख फोटोग्राफी मार्च दो में दिल्ली और इस्तांबुल में इस मूवीज की कार्यकारी जो है और फोटोग्राफी वहीं पे शुरू हुआ था वही इस्तांबुल में इसको शूट किया गया जबकि अगस्त 2021 में सेंट जो है पीटर्स बर्ग में एक कार का पीछा करने का दृश्य फिल्माया गया था वहीं पे आपको बता दें अतिरिक्त जो है दृश्य सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया में फिल्माए गए और भारत में फरवरी दो तक नई दिल्ली में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और आगे के एक्शन दृश्यों को अप्रैल दो में मुंबई में फिल्माया गया था शाहरुख खान का कैमियो मॉड आइलैंड में 10 दिनों के शेड्यूल के भीतर जो है फिल्माया गया था इस मूवीज के अंदर जहां आपको बता दे एक एक्शन सीक्वेंस के लिए एक बड़े सेट का निर्माण भी किया गया था वहीं पे ऋतिक रोशन के कैमियो का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया था जो कि यूनिवर्स की अगली किस्त वार टू का निर्देशन करेंगे मुख्य फोटोग्राफी मई 2023 में संपन्न हुई थी ये सब चीजें टाइगर थ्री का मैसेज जो है शीर्षक से एक टीजर 27 सितंबर 2023 को जारी किया गया था यूट्यूब पे आधिकारिक ट्रेलर 16 अक्टूबर 2023 जार को जारी हुआ था यश राज के यूट्यूब पे मिल जाता है राज के वहीं दोस्तों, अगर कहानी को कर ले दोस्तों फिल्म की कहानी उन्नीस में शुरू होती है सन उन्नीस में जोया ने अपने पिताज भाई आई एस एजेंट रेहान नजर को एक कार बम विस्फोट में मरते हुए देखा था उसके अंतिम जो है संस्कार के बाद जोया को नजर के शिष्य आतेश जो है रहमान द्वारा आईएसआई में शामिल होने के लिए भर्ती किया जाता है फिल्म फिल्में वर्तमान समय में आपको बता दें अविनाश टाइगर सिंह राठौर को रो प्रमुख जो है मैथिली मिलन द्वारा टाइगर के पूर्वा हैंडल गोपी आर्या को बचाने के लिए एक मिशन के लिए बुलाया जाता है फिर जिसे जो है पाकिस्तान में योजना बनाए जा रहे एक मिशन के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया गया था फिर वो अपने बचाव के बाद गोपी ने खुलासा किया था कि जोया नियोजित जो है 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 मशीन का हिस्सा और कुछ ही समय बाद वो मर जाती है। टाइगर जोया की जासूसी करना शुरू कर देता है और बाद में में उसे रूस रो एजेंट और फिर जो है से की सुरक्षा का मौका सौंप देता है जो गोपी के साथ काम कर रहा था और पाकिस्तान में जो है बेनकाब होने के पाकिस्तान में बेनकाब होने के बाद जो है देश में वो भाग गया था फिर टाइगर ने जोया को शेख किए हत्या के प्रयास का गवाह बनाया फिर उसे बचाने के बाद टाइगर को आतिश ने पकड़ लिया था जिसने खुलासा किया था कि उसने जोया को लगभग जो है नशीला पदार्थ खिलाकर और और उसे और टाइगर के बेटे जूनियर का अपहरण करके शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था वही टाइगर और जोया जो है जूनियर के बदले में इस्तांबुल में आतिश के लिए साइन अप हो चुके थे और वो मिसाइल लॉन्च को वहां पे मिसाइल लॉन्च कोर्ट वाला एक जो है बी बी

जनरल की हत्या करके जो है बयान में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति सादी हुई थी वही पट्टी से उतरने की कोशिश की थी जोया द्वारा योजना में सहयोग करने से इनकार करने के बाद वह गुप्त रूप से टाइगर को सूचित कर दिया गया था वही आतिश की जो है गर्भवती पत्नी साहिन बेग हत्या का प्रयास करता है लेकिन टाइगर द्वारा उसे गोली मार दी जाती है आतिश इस बात से इनकार करता है कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था और बाद में उसे कैद कर लिया गया और वहाँ पे आईएसआई से जो है बाहर उसको कर दिया गया था अब टाइगर टाइगर को को मौत मौत की की सजा सजा दी दी जाती जाती है है इसके इसके बाद बाद लेकिन वह पठान की मदद से जेल से भागने में सफल हो जाता है वह उसके बाद जो इस्लामाबाद जाता है और अपने जो है दत्तक पोत्रा हसन से मिलता है जो कि एक हैकर है जिसे टाइगर ने बचपन में एक आतंकवादी समूह से बचाया था टाइगर की टीम जोया और वहाँ पे आईएसआई एजेंट वहाँ पे अबराज और जो है जावेद इस्तांबुल में वहाँ इंतजार कर रहे थे ये सभी लोग फिर इस्तांबुल लौट आते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तानी सेना के जनरल यहाँ पे इम्तियाज़ हक जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या करने की योजना बना रहे हैं ताकि आतिश उनकी जगह ले सके टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रवेश करती है और ईरानी को योजना सब कुछ बता देती है और फिर टाइगर और जोया ईरानी को एक यहाँ पे भूमिगत जो है बंकर में लेकर जाते हैं वहाँ पे टाइगर हक को और फिर जो है सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर कर देते हैं हालाँकि आतिश गुप्त रूप से जावेद की मदद से हक को मार देता है जो कि शाहीन का भाई जो है उसे बताया जाता है और टाइगर को हक की हत्या के लिए फंसा दिया जाता है टाइगर के वहां पे दल के सदस्य टाइगर के दल के सदस्य जो है अबरार और करण को आतिश और जावेद मार देते हैं जो कि ईरानी का पता फिर बाद में लगाया जाता है फिर टाइगर और जोया ईरानी को भगाने में मदद करते हैं लेकिन हसन और जो है जावेद मारे जाते हैं इस चक्कर में फिर टाइगर और आतिश के बीच लड़ाई हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप टाइगर आतिश को मार देता है ईरानी ने जनता के सामने जो है आतिश की साजिश का खुलासा किया और टाइगर जोया और उनकी टीम वहां पर निर्दोष साबित हुई क्रेडिट के बाद के दृश्य में कर्नल सुनील लूथरा की कबीर और फिर जो है धाली वाला से संपर्क किया जाता है और उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या करने का काम सौंपा जाता है कहानी के एंडिंग में तो दोस्तों ये कहानी है टाइगर थ्री फिल्म की वही दोस्तों टाइगर थ्री फिल्म को शुरू में ईद के अवसर पर इक्कीस इक्कीस अप्रैल दो को रिलीज किया जा रहा था लेकिन इसके बाद इसे बारह नवम्बर दो तक के लिए स्थगित कर दिया गया और दिवाली के अवसर पर इसे तमिल और तेलुगु में डॉफ के संस्करणों के साथ हिंदी में दुनिया भर में आठ नौ सौ स्क्रीन पर रिलीज किया गया है वहीं भी दोस्तों आपको बता दें इस्लामिक देशों के नकारात्मक चीत रन के कारण फिल्म को ओमान और कुवैत और जो है कतर में प्रतिबंध कर दिया गया है वहीं भी पिंक गुवेला के हिमेश मांकड़ ने फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया है और लिखा है टाइगर थ्री फिल्म में सलमान खान कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी के दमदार प्रदर्शन के साथ जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस है जबकि कुछ स्थानों पर गति एक मुद्दा बना हुआ है मुख्य कथानक में काफी कुछ छुपा हुआ है बड़े पर्दे पर आपको बाध्य रखने के लिए काफी है उन्होंने कहा और एक भावनात्मक जुड़ाव भी इससे जुड़ा हुआ है ये फिल्म एक एक्शन से भरपूर मनोरंजन फिल्म है बताया जिसमें सलमान खान की अब तक की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बनने की सभी तत्व मौजूद है कहा गया है न्यूज अठारह के सुनील डेढ़िया ने फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया है और लिखा है टाइगर थ्री फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है वहीं इमरान हाशमी एक खलनायक के रूप में अपनी भूमिका के साथ न्याय करते हैं टाइगर थ्री फिल्म में कैमियो में जिसे हर कोई जो है जानता है कि उनके सहित कई जो मधुर योग्य क्षण भी है सलमान के प्रशंसक जो है इस दिवाली पर दावत कबूल करेंगे इस चौबीस का और फर्स्ट पोस्ट के बिनम रमा ने भी इस फिल्म को रिव्यू किया है और उन्होंने फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया और लिखा है सलमान खान और कैटिना कैफे पूरे जोश के साथ भाग तीन के एक्शन के लिए खुद को प्रस्तुत किए हुए हैं जो कि फिल्म स्टाइलिश और फिर जो है, है लेकिन छोटी भी दिखती है लंबे समय तक जो है केवल अगर इसमें जो है अधिक रोमांस और तनाव होता तो ये भी बेहतरीन हो सकता था टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने फिल्म को में से फाइव से थ्री स्टार दिया है और लिखा है टाइगर थ्री बड़े पैमाने पर मनोरंजन के लिए पर्याप्त और फिर बारूद के साथ के लिए एक अच्छा अतिरिक्त है वही इंडिया टुडे के जीनिया बंधो पाध्या ने फिल्म को में से स्टार रेटिंग दिया और वहीं पे एस एनडी ने लिखा है की अत्यारी जो है भीर भरे जासूसी जगत के बावजूद टाइगर अपनी जो अपनी जो है पकड़ बनाए रखने में कामयाबी रहा है सलमान खान के प्रशंसक जो है निराश नहीं होंगे लेकिन कोई कटिना कैफ को जोया शरीस की फिल्म दे दे तो वहाँ पे एंडी टीवी के सहब चटोर्जी ने भी फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दी वही उन्होंने इन सितारों के साथ लिखा है कि एक या दो सितारों की उपस्थिति के बिना फिल्म की यात्रा व्यर्थ हो जाती है जो सतही स्तर की लगती है फिल्म की कहानी वही दोस्तों आगे फिल्म के बारे में ये भी रिव्यू करके बताया गया है कि फिल्म की कहानी ठीक ठाक है जिसे एक बार जरूर देखना चाहिए था इसके अलावा दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से मोनिका रावल जिन्हें फिल्म को रिव्यू किया इन्होंने फाइव से थ्री स्टार स्टार दिया है और विशाल सलमान खान के बारे में कहा है कि इसे अवश्य देखना चाहिए इसलिए नहीं कि ये एक उत्कृष्ट कृति है बल्कि इसलिए कि यह हर रोज नहीं होता है कि आप सलमान खान की फिल्मों को जाकर सिनेमा घरों में देखो वही खान को स्क्रीन जो है स्पेस साझा करते हुए देखे भले ही दोस्तों वह ऐसा क्यों नहीं हो क्योंकि थोड़ी देर बाद निर्देशक जो है मनीष शर्मा ने सभी जो तत्वों को इस तरह जो है पैक किया है कि ये एक दिलचस्प गाड़ी बनकर उभरती है जबकि कहानी और व्यापक जो है कथाना काफ़ी जटिल और जटिल है जिसमें जो हर कुछ मिनटों में एक नया मोड़ सामने आने की प्रतीक्षा में है लेकिन जो समस्या बनी हुई है वह यहाँ पे अनुसंगत गति द कोविन के प्रत्यक्ष जो है मिश्रा ने फिर यही लिखा है कि टाइगर थ्री उन फिल्मों में से एक है जिन्हें शुद्ध एक्शन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी टाइगर और जूया के बीच की प्रेम कहानी और फिर जो है टाइगर फ्रेन चैनी का मुख्य आकर्षण है और इसके बजाय टाइगर थ्री एक उदाहरण उदाहरणकर्ता परिसर और प्रदर्शन की मदद जो है मिशन पर भी केंद्रित है वही भी आपको बता दें बावजूद टाइगर थ्री में कहानी को बनाने के लिए आवश्यक रोमांस और वहाँ पे चुपचाप जो है यहाँ पे यानी कि चुट जबाए हुए एक चीज आपको जरूर देखने को मिलती है इससे पहले दोस्तों बजरंगी भाई जन के आठ साल बाद सलमान खान फिर से जो है पाकिस्तान पहुंचे इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं बल्कि निर्देशक जो है मनीष शर्मा ने टाइगर को राजनीतिक रूप से जो है विवेक बनाए रखने के लिए राष्ट्र के साथ साथ जो है प्रभु का नाम दोनों का ही आह्वान किया लेकिन यहाँ पे जासूस इसके जो आध्यात्मिक जो है चचेरे भाई पठान जितना जो है तेज नहीं निकला जिसने जो है इस साल की शुरुआत में भी इस तरह के भू और राजनीतिक क्षेत्रों में शिकार जरूर हुआ वही जो बता दें श्रीधर राघवन द्वारा लिखित की गई जिन्होंने शाहरुख खान की वहाँ पे शाहरुख खान की वापसी वाली एक्शन फिल्म भी लिखी थी उसकी कहानी और फिर यश राज के विस्तारित जो है देसी जासूसी ब्राह्मण के इस जो है नबीनतम संस्करण पर पठान की छाया स्पष्ट है जो कि प्रतिपक्षी आतिश रहमान और फिर जो इमरान हासमी फिर से एक दुष्ट एजेंट है जो की फिल्म के अंदर व्यक्तिगत जो है नुकसान को राजनीतिक जो है एजेंट के साथ जोड़ते हैं अंतर यह है कि इस बार वह पाकिस्तान की आईएसआई से संबंधित है इस मूवीज के अंदर वही दोस्तों बता दें पूर्वा जो है आईएसआई एजेंट जोया कैटीना कैफ के साथ जो उसका गहरा पुराना संबंध है जो अब जो अब ऑस्ट्रेलिया में टाइगर और उनके बेटे जूनियर के साथ एक शांत जीवन जी रही है क्या जोया जो है जो जो भारत के हितों के खिलाफ काम कर रही है क्या विश्वास की क्या विश्वास की जो है छड़ा वो उपयुक्त रूप से जो है सासी है और जोया की पृष्ठभूमि में हमें यह कैसी कथा में खींचा जाता है जो हर कुछ मिनटों में कुछ अविश्वसनीय एक्शन कोरियोग्राफी के साथ जो है परवरज होती है लेकिन मुख्य बिंदु यह है कि शाहरुख खान का एक और कैमियो है जो कि जनता के लिए एक सिटी लाइक और सीक्वेंस तैयार किया हुआ है फिल्म के अंदर वही दोस्तों बता दे पीपा ने यह लिखा है कि फिल्म समीक्षा जो है इस उबर और खबर यूथ फिल्म का न्यूट्रिशन इन्होंने भी किया है जो कि बता दे फिल्म के अभिनेता सलमान खान और कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी और उनके अलावा कुमुद मिश्रा भी आपको देखने को मिलते हैं कहानी एक प्रतिशोध प्रतिशोधपूर्वक आईएसआई एजेंट टाइगर और जूया को एक ऐसे मिशन पर जाने के लिए मजबूर करती है जो उनके संबंधित देशों के लिए उनकी और उनके अलावा जो अखंडता को खतरे में डाल देता है लेकिन बीच में आपको बता दें भावनात्मक जो है यहाँ पे टिपेस्ट्री हमें जो है प्रभावित करने में विफल रहती है और यहाँ पे खुफिया जानकारी बुद्धिमानी नहीं बनती है जो कि एक साथ जो है रखने पर हुआ एक दीपावली और फिर जो है रेसिपी का स्वाद देते हैं जो कि बासी हुई और इसका जो है मतलब ये है कि साजिश हमें कभी भी जो है हमारे सीटों के किनारे तक जो है लाने की धमकी नहीं देता है मूवीज के अंदर इसी तरह दोस्तों सतही रूप से जो है जटिल कथानक को चलाने वाली और वहीं पे वास्तविक तो जो है राजनीतिक और उतनी जो है समाचार योग्य नहीं है जितनी कि हमने पिछली किस्तों में देखी हुई है वही सलमान खान की फिल्म को परिभाषित करने वाला जो है मजेदार तत्व उतना रसदार नहीं है जितना कि उम्मीद की जाती उम्मीद की जा सकती है आई एस आई के नेक जो है इरादे वाले मही महीन देश और उनके अलावा दानिश दानित हुसैन का भी इसमें कुछ चीजें हमें देखने को मिला हुआ है तो दोस्तों ये सभी चीजें बेहतरीन है फिल्म को देखने के लिए वही दोस्तों आपको बता दे अगर आप लोग इस मूवीज़ को देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको अभी सिनेमाघरों में देखने को मिलता है दोस्तों ये फिल्म आपको कहीं भी अभी नहीं देखने को मिलेगा ये फिल्म अभी आपको सिनेमाघरों में ही देखने को मिल रहा है वही दोस्तों फिल्म की अब तक की टोटल इनकम के बारे में हम बात कर ले तो अभी तक दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे दो करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई किया है तो चलिए दोस्तों अब हम ऐसे विस्तार में बात कर लेते हैं टाइगर थ्री फिल्म के बारे में बता दें दोस्तों ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है और इस मूवीज को यशरस फिल्म के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है वही भी दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर सलमान खान कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी ने अभिनय किया है वही दोस्तों बता दें आपको ये फिल्म टाइगर जिंदा है मूवी की साल 2017 में रिलीज हुई की अगली कड़ी है वहीं पे ये फिल्म वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स में पांचवी किस्त है इसी के साथ आपको बता दें ये फिल्म टाइगर जिंदा है मूवी साल 2017 में और वार फिल्म 2019 और पठान फिल्म 2023 की घटनाओं पर फिल्म की कहानी आधारित है जो कि टाइगर जिंदा है की घटनाओं के बाद टाइगर और जोया को आतिश रहमान नाम के एक पुरवा आई एजेंट द्वारा फिल्म के अंदर देशद्रोह के रूप में फंसाया जाता है और वह अपना नाम साफ करने के लिए जान लेवा जो है धर्म युद्ध पर उतर आते हैं दोस्तों ये कहानी आपको इस मूवीज के अंदर देखने को मिलती है अगर बात करें फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की तो इस मूवीज की फोटोग्राफी मार्च 2021 में दिल्ली मुंबई और इस्तांबुल में शुरू हुआ था इस्तांबुल में सेट जो है पीटर्स बर्ग और बियान में फिल्म फिल्मांकन के साथ जो शुरू हुई और फिल्म का साउंड के बारे में हम बात कर ले तो प्रीतम द्वारा तैयार किया गया है फिल्म के को जबकि आपको बता दें बैकग्राउंड स्कोर तनुज द्वारा तैयार किया गया है वहीं इस मूवीज की बजट के बारे में हम बात करें तो इस बनाने में तीन सौ करोड़ रुपए खर्च हुए हैं या दोस्तों और ये एक बहुत बड़ी रकम है किसी हिंदी बॉलीवुड फिल्म के लिए टाइगर थ्री फिल्म को दिवाली के मौके पर जैसे कि आप लोग को पता है बारह नवम्बर दो को रिलीज किया गया था आई मेक्स और फिर अन्य प्रीमियर जो है प्रारूपों में रिलीज किया गया था और दोस्तों रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है खास करके फिल्म का एक्शन दृश्य और उनकी जो प्रशंसाएं हैं और फिल्म में जो टेक्निकी पहलू का इस्तेमाल किया गया है वो भी ठीक ठाक है वही दोस्तों विकास के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म की विकास दो की शुरुआत में ये बताया गया था कि फिल्म टाइगर जिंदा है मूवी का साल 2017 का सीक्वल विकसित में आया हुआ है इसमें मुख्य अभिनेता अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे और 2020 के एंडिंग तक जो है अली अब्बास जाफर की जगह लेते हुए मनीष शर्मा को फिल्म का निर्देशन करने के लिए चुना गया था अब अभिनेता सलमान खान और कैटरीना कैफ को पूर्वा वर्तियों की भूमिका को दोबारा निभाने की पुष्टि की गई थी और फिल्मांकन मार्च दो के तीसरे हफ्ता में शुरू होने की सूचना भी मिली थी 26 फरवरी 2021 को मुंबई के वाई स्टूडियो में एक पारंपरिक पूजा आयोजित की गई थी फिर 4 मार्च 2022 को यशराज फिल्म द्वारा इस परियोजना की आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी वही दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बात कर ले तो आपको बता दें सानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थे इस मूवीज के लिए और फरवरी दो में सलमान खान और कैटरीना कैफ के टाइगर और जोया के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराने की पुष्टि कर दी गई थी साथ ही इमरान हाशमी ने भी इस परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे टाइगर जिंदा है मूवी में अनुपस्थिति रहने के बाद रणबीर शैरी की फ्रेंचाइजी में वापसी की घोषणा कर दी गई मिसाल जेठवा अक्टूबर दो में कलाकारों में शामिल हुए थे जबकि जो है रेवती और रिद्धि जो है डोगरा को एक महीने बाद चुना गया था फिल्म के अंदर शाहरुख खान और ऋतिक रोशन ने कैमियो भूमिका में क्रमश पठान और मेजर कबीर जो है धाली वाला के रूप में अपनी भूमिका इसमें दोहराई है वही दोस्तों प्रमुख फोटोग्राफी मार्च दो में दिल्ली और इस्तांबुल में इस मूवीज की कार्यकारी जो है और फोटोग्राफी वहीं वही शुरू हुआ था वही इस्तांबुल में इसको शूट किया गया जबकि अगस्त 2021 में सेंट दो हजार इक्कीस में एक कार का का पीछा करने दृश्य फिल्माया गया था आपको बता दें अतिरिक्त जो है दृश्य सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया में फिल्माए गए और भारत में फरवरी दो तक नई दिल्ली में फिल्मांकन शुरू हुआ और आगे के एक्शन दृश्यों को अप्रैल दो में मुंबई में फिल्माया गया था शाहरुख खान का कैमियो मॉड आइलैंड में 10 दिनों के शेड्यूल के भीतर जो है फिल्माया गया था इस मूवीज के अंदर जहां आपको बता दे एक एक्शन सीक्वेंस के लिए एक बड़े सेट का निर्माण भी किया गया था वहीं पे ऋतिक रोशन के कैमियो का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया था जो कि यूनिवर्स की अगली किस्त वार टू का निर्देशन करेंगे मुख्य फोटोग्राफी मई दो में सम्पन्न हुई थी ये सब चीजें टाइगर थ्री का मैसेज जो है शीर्षक से एक टीजर 27 सितंबर 2023 को जारी किया गया था यूट्यूब पे आधिकारिक ट्रेलर 16 अक्टूबर 2023 जार को जारी हुआ था दोस्तों कहानी को रिव्यू कर ले तो दोस्तों फिल्म की कहानी उन्नीस में शुरू होती है सन उन्नीस में जोया ने अपने पिताज भाई आई एस आए एजेंट रेहान नजर को एक कार बम विस्फोट में मरते हुए देखा था उसके अंतिम जो है संस्कार के बाद जोया को नजर के शिष्य आतिश जो है रहमान द्वारा आईएसआई में शामिल होने के लिए भर्ती किया जाता है फिल्म में वर्तमान समय में आपको बता दें अविनाश टाइगर सिंह राठौर को रो प्रमुख जो है मैथिली मिलन द्वारा टाइगर के पूर्वा हैंडल गोपी आर्या को बचाने के लिए एक मिशन के लिए बुलाया जाता है फिर जिसे जो है पाकिस्तान में योजना बनाए जा रहे एक मिशन के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया गया था फिर वो अपने बचाव के बाद गोपी ने खुलासा किया था कि जोया नियोजित जो है 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 मशीन का हिस्सा और कुछ ही समय बाद वो मर जाती है। टाइगर जोया की जासूसी करना शुरू कर देता है और बाद में में उसे रूस में रो एजेंट और फिर जो से की सुरक्षा का मौका सौंप देता है जो गोपी के साथ काम कर रहा था और पाकिस्तान में जो है बेनकाब होने के पाकिस्तान में बेनकाब होने के बाद जो है देश में वो भाग गया था फिर टाइगर ने जोया को शेख किए हत्या के प्रयास का गवाह बनाया फिर उसे बचाने के बाद टाइगर को आतिश ने पकड़ लिया था जिसने खुलासा किया था कि उसने जोया को लगभग जो है नशीला पदार्थ खिलाकर और उसे और टाइगर के बेटे जूनियर का अपहरण करके शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था वही टाइगर और जोया जो है जूनियर के बदले में इस्तांबुल में आतिश के लिए साइन अप हो चुके थे और वो मिसाइल लॉन्च को वहाँ पे मिसाइल लॉन्च कोर्ट वाला एक जो है बी बी फ्रिकेस चुराने के लिए कहा था, चुराने के लिए कहा था जापे की, की आतिश ने टाइगर और पाकिस्तान में कैद कर लिया जाता है उसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अनुक्रम में यह पता चलता है कि आतिश ने बारह बारह साल पहले आतिश ने बारह साल पहले प्रमुख भारतीय सेना जनरल की हत्या करके जो है बियान में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति साधी हुई थी वही पट्टी से उतरने की कोशिश की थी जोया द्वारा योजना में सहयोग करने से इनकार करने के बाद वह गुप्त रूप से टाइगर को सूचित कर दिया गया था वही आतिश की जो है गर्भवती पत्नी साहिन बेग हत्या का प्रयास करता है लेकिन टाइगर द्वारा उसे गोली मार दी जाती है आतिश इस बात से इनकार करता है कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था और बाद में उसे कैद कर लिया गया और वहाँ पे आईएसआई से जो है बाहर उसको कर दिया गया था अब टाइगर को मौत की सजा दी जाती है इसके बाद। इसके बाद बाद टाइगर को मौत की सजा दी जाती है लेकिन वह पठान की मदद से जेल से भागने में सफल हो जाता है वह उसके बाद जो इस्लामाबाद जाता है और अपने जो है दत्तक पोत्रा हसन से मिलता है जो कि एक हैकर है जिसे टाइगर ने बचपन में एक आतंकवादी समूह से बचाया था टाइगर की टीम जोया और वहाँ पे आईएसआई एस एजेंट वहाँ पे अबराज और जो है जावेद इस्तांबुल में वहाँ इंतजार कर रहे थे ये सभी लोग फिर इस्तांबुल लौट आते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तानी सेना के जनरल यापी इम्तियाज हक जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या करने की योजना बना रहे हैं ताकि आतिश उनकी जगह ले सके टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रवेश करती है और ईरानी को योजना सब कुछ बता देती है और फिर टाइगर और जोया ईरानी को एक यहाँ पे भूमिगत जो है बंकर में लेकर जाते हैं वहाँ पे टाइगर हक को और फिर जो सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर कर देते हैं हालाँकि आतिश गुप्त रूप से जावेद की मदद से हक को मार देता है जो कि शाहीन का भाई जो है उसे बताया जाता है और टाइगर को हकी हत्या के लिए फंसा दिया जाता है टाइगर के वहाँ पे दल के सदस्य टाइगर के दल के सदस्य जो है अबरार और करण को आतिश और जावेद मार देते हैं जो कि ईरानी का पता फिर बाद में लगाया जाता है फिर टाइगर और जोया ईरानी को भगाने में मदद करते हैं लेकिन हसन और जो है जावेद मारे जाते हैं इस चक्कर में फिर टाइगर और आतिश के बीच लड़ाई हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप टाइगर आतिश को मार देता है ईरानी ने जनता के सामने जो है आतिश की साजिश का खुलासा किया और टाइगर जोया और उनकी टीम वहाँ पे निर्दोष साबित हुई क्रेडिट के बाद के दृश्य में कर्नल सुनील लूथरा की कबीर और फिर जो है धाली वाला से संपर्क किया जाता है और उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या करने का काम सौंपा जाता है कहानी के एंडिंग में तो दोस्तों ये कहानी है टाइगर थ्री फिल्म की वही दोस्तों टाइगर थ्री फिल्म को शुरू में ईद के अवसर पर इक्कीस इक्कीस अप्रैल 2023 को रिलीज किया जा रहा था लेकिन इसके बाद इसे 12 नवंबर 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया और दिवाली के अवसर पर इसे तमिल और तेलुगु में डॉफ के संस्करणों के साथ हिंदी में दुनिया भर में आठ नौ सौ स्क्रीन पर रिलीज किया गया है वहीं भी दोस्तों आपको बता दें इस्लामिक देशों के नकारात्मक चीत के कारण फिल्म को ओमान और कुवैत और जो है कतर में प्रतिबंध कर दिया गया है वहीं भी पिंक गुवे के हिमेश माकड ने फिल्म को फाइव में से थ्री फाइव स्टार दिया है और लिखा है टाइगर थ्री फिल्म में सलमान खान कैटीना कैफ और इमरान हाशमी के दमदार प्रदर्शन के साथ जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस है जबकि कुछ स्थानों पर गति एक मुद्दा बना हुआ है मुख्य कथानक में काफी कुछ छुपा हुआ है बड़े पर्दे पर आपको बाध्य रखने के लिए काफी है उन्होंने कहा और एक भावनात्मक जुड़ाव भी इससे जुड़ा हुआ है ये फिल्म एक एक्शन से भरपूर मनोरंजन फिल्म है बताया जिसमें सलमान खान की अब तक की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बनने की सभी तत्व मौजूद है कहा गया है न्यूज अठारह के सुनील डेढ़िया ने फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है और लिखा है टाइगर थ्री फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है वहीं इमरान हाशमी एक खलनायक के रूप में अपनी भूमिका के साथ न्याय करते हैं टाइगर थ्री फिल्म में कैमियो में जिसे हर कोई जो है जानता है कि उनके सहित कई जो मधुर योग्य क्षण भी है सलमान के प्रशंसक जो है इस दिवाली पर दावत कबूल करेंगे चौबीस का और फर्स्ट पोस्ट के बिनम र ने भी इस फिल्म को रिव्यू किया है और उन्होंने फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया और लिखा है सलमान खान और कैटरीना कैफे पूरे जोश के साथ भाग तीन के एक्शन के लिए खुद को प्रस्तुत किए हुए हैं जो कि फिल्म स्टाइलिश और फिर जो है लेकिन छोटी भी दिखती है लंबे समय तक जो है केवल अगर इसमें जो है अधिक रोमांस और तनाव होता तो ये भी बेहतरीन हो सकता था टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने फिल्म को में से फाइव से थ्री स्टार दिया है और लिखा है टाइगर थ्री बड़े पैमाने पर मनोरंजन के लिए पर्याप्त और फिर जो है बारूद के साथ फिल्म चैनजी के लिए एक अच्छा अतिरिक्त है वही इंडिया टूडे के जीनिया बंधो पाध्या ने फिल्म को फाइव से थ्री पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग दिया और वहीं पे एस एन डी ने लिखा है कि अत्यारी जो है भीड़ भरे जासूसी जगत के बावजूद टाइगर अपनी जो अपनी जो है पकड़ बनाए रखने में कामयाबी रहा है सलमान खान के प्रशंसक जो है निराश नहीं होंगे लेकिन कोई कठिना कैफ को जोया

फाइव में से थ्री स्टार स्टार दिया है और विशाल सलमान खान के बारे में कहा है कि इसे अवश्य देखना चाहिए इसलिए नहीं कि ये एक उत्कृष्ट कृति है बल्कि इसलिए कि यह हर रोज नहीं होता है कि आप सलमान खान की फिल्मों को जाकर सिनेमा घरों में देखो वही खान को स्क्रीन जो है स्पेस साझा करते हुए देखे भले ही दोस्तों वह ऐसा क्यों नहीं हो क्योंकि थोड़ी देर बाद निर्देशक जो है मनीष शर्मा ने सभी जो है तत्वों को इस तरह जो है पैक किया है कि ये एक दिलचस्प गाड़ी बनकर उभरती है जबकि कहानी और व्यापक जो है कहाना काफ़ी जटिल और जटिल है जिसमें जो हर कुछ मिनटों में एक नया मोड़ सामने आने की प्रतीक्षा में है लेकिन जो समस्या बनी हुई है वह यहाँ पे अंसंगत गति द कोविन के प्रत्यक्ष जो है मिश्रा ने फिर यही लिखा है कि टाइगर थ्री उन फिल्मों में से एक है जिन्हें शुद्ध एक्शन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी टाइगर और जूया के बीच की प्रेम कहानी और फिर जो है टाइगर फ्रेन चैनी का मुख्य आकर्षण है और इसके बजाय टाइगर थ्री एक उदाहरण उदाहरणकर्ता परिसर और प्रदर्शन की मदद जो है मिशन पर भी केंद्रित है वही भी आपको बता दें रोए स्टार में जोड़े जाने और फिर जो है पुराने जो है परिचित किए गए चेहरों के के मिश्रण में लौटने बावजूद टाइगर थ्री में कहानी को बनाने के लिए आवश्यक रोमांस और वहाँ पे चुपचाप जो है यहाँ पे यानी कि चुट जबाए हुए एक चीज आपको जरूर देखने को मिलती है इससे पहले दोस्तों बजरंगी भाई जन के आठ साल बाद सलमान खान फिर से जो है पाकिस्तान पहुंचे इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं बल्कि निर्देशक जो है मनीष शर्मा ने टाइगर को राजनीतिक रूप से जो है विवेकपूर्ण बनाए रखने के लिए राष्ट्र के साथ साथ जो है प्रभु का नाम दोनों का ही आह्वान किया लेकिन यहाँ पे जासूस इसके जो आध्यात्मिक जो है चचेरे भाई पठान जितना जो है तेज नहीं निकला जिसने जो है इस साल की शुरुआत में भी इस तरह के भू और राजनीतिक क्षेत्रों में शिकार जरूर हुआ वह जो बता दें श्रीधर राघवन द्वारा लिखित की गई जिन्होंने शाहरुख खान की वहाँ पे शाहरुख खान की वापसी वाली एक्शन फिल्म भी लिखी थी उसकी कहानी और फिर यशराज फिल्म के विस्तारित जो है देसी जासूसी ब्राह्मान के इस जो है नबी नतम संस्करण पर पठान की छाया स्पष्ट है जो कि प्रतिपक्षी आतिश रहमान और फिर जो इमरान हाशमी फिर से एक दुष्ट एजेंट है जो कि फिल्म के अंदर व्यक्तिगत जो है नुकसान को राजनीतिक जो है एजेंट के साथ जोड़ते हैं

एक कैसी कथा में खींचा जाता है जोहार कुछ मिनटों में कुछ अविश्वास एक्शन कोरियोग्राफी के साथ जो है परवजलित होती है लेकिन मुख्य बिंदु यह है कि शाहरुख खान का एक और कैमियो है जो कि जनता के लिए एक सीटी लाइक और सीक्वेंस तैयार किया हुआ है फिल्म के अंदर वही दोस्तों बता दे पीपा ने यह लिखा है कि फिल्म समीक्षा जो है इस उबड़ और खबर यूथ फिल्म का निर्देशन इन्होंने भी किया है जो कि बता दे फिल्म के अभिनेता सलमान खान और कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी और उनके अलावा कुमुद मिश्रा भी आपको देखने को मिलते हैं कहानी एक प्रतिश्रोध पूर्वा आईएसआई एजेंट टाइगर और जुया को एक ऐसे मिशन पर जाने के लिए मजबूर करती है जो उनके संबंधित देशों के लिए उनकी और उनके अलावा जो अखंडता को खतरे में डाल देता है लेकिन बीच में आपको बता दें भावनात्मक जो है यहाँ पे टिपेस्ट्री हमें जो है प्रभावित करने में विफल रहती है और यहाँ पे खुफिया जानकारी बुद्धिमानी नहीं बनती है जो कि एक साथ जो है रखने पर वह एक दीपावली और फिर जो है रेसिपी का स्वाद देते हैं जो कि बासी हुई और इसका जो है मतलब ये है कि साजिश हमें कभी भी जो है हमारे सीटों के किनारे तक जो है लाने की धमकी नहीं देता है मूवीज के अंदर इसी तरह दोस्तों सतही रूप से जो है जटिल कथानों को चलाने वाली और वहीं पे वास्तविक जो है राजनीतिक और उतनी जो है समाचार योग्य नहीं है जितनी कि हमने पिछली किस्तों में देखी हुई है वही सलमान खान की फिल्म को परिभाषित करने वाला जो है मजेदार तत्व उतना रसदार नहीं है जितना कि से उम्मीद की जाती उम्मीद की जा सकती है कुछ गहन संवाद भी है जो कि अंकुर चौधरी जैसे अब जो है आईएसआई के नेक जो है इरादे वाले मही महीन देश और उनके अलावा दानिश दानित हुसैन का भी इसमें कुछ चीजें हमें देखने को मिला हुआ है तो दोस्तों ये सभी चीजें बेहतरीन है फिल्म को देखने के लिए वही दोस्तों आपको बता दे अगर आप लोग इस मूवीज को देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको अभी सिनेमाघरों में देखने को मिलता है दोस्तों ये फिल्म आपको कहीं भी अभी नहीं देखने को मिलेगा ये फिल्म अभी आपको सिनेमाघरों में ही देखने को मिल रहा है वही दोस्तों फिल्म की अब तक की टोटल इनकम के बारे में हम बात कर ले तो अभी तक दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे दो करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है तो चलिए दोस्तों अब अब ऐसे विस्तार में बात कर लेते हैं टाइगर थ्री फिल्म के बारे में बता दें दोस्तों ये फिल्म साल दो में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है और इस मूवीज को यशरज फिल्म के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है वही भी दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर सलमान खान कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी ने अभिनय किया है वही दोस्तों बता दें आपको ये फिल्म टाइगर जिंदा है मूवी की साल 2017 में रिलीज हुई की अगली कड़ी है वहीं पे ये फिल्म वाई आर एफ एस पाई यूनिवर्स में पांचवी किस्त है इसी के साथ आपको बता दें ये फिल्म टाइगर जिंदा है मूवी साल 2017 में और वार फिल्म 2019 और पठान फिल्म 2023 की घटनाओं पर फिल्म की कहानी आधारित है जो कि टाइगर जिंदा है की घटनाओं के बाद टाइगर और जोया को आतिश रहमान नाम के एक पूर्वा आई एजेंट द्वारा फिल्म के अंदर देश के रूप में फंसाया जाता है और वो अपना नाम साफ करने के लिए जान लेवा जो है धर्म युद्ध पर उतर आते हैं दोस्तों ये कहानी आपको इस मूवीज के अंदर देखने को मिलती है अगर बात करें फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की तो इस मूवीज की फोटोग्राफी मार्च 2021 में दिल्ली मुंबई और इस्तांबुल में शुरू हुआ था इस्तांबुल में सेट जो है पीटर्स बर्ग और बयानवे फिल्मांकन के साथ जो शुरू हुई और फिल्म का साउंड के बारे में हम बात कर ले तो प्रीतम द्वारा तैयार किया गया है फिल्म के म्यूजिक को जबकि आपको बता दें बैकग्राउंड स्कोर तनुज टिकू द्वारा तैयार किया गया है वहीं इस मूवीज की बजट के बारे में हम बात करें तो इस पूरी फिल्म को बनाने में तीन सौ करोड़ रुपए खर्च हुए हैं या दोस्तों और ये एक बहुत बड़ी रकम है किसी हिंदी बॉलीवुड फिल्म के लिए टाइगर थ्री फिल्म को दिवाली के मौके पर जैसे कि आप लोग को पता है बारह नवम्बर दो को रिलीज किया गया था आई मेक्स और फिर अन्य प्रीमियर जो है प्रारूपों में रिलीज किया गया था और दोस्तों रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है खास करके फिल्म का एक्शन दिवसीय और उनकी जो प्रशंसाएं है और फिल्म में जो टेक्निकी पहलू का इस्तेमाल किया गया है वो भी ठीक ठाक है वही दोस्तों विकास के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म की विकास 2020 की शुरुआत में ये बताया गया था कि फिल्म टाइगर जिंदा है मूवी का साल 2017 का सीक्वल विकसित में आया हुआ है इसमें मुख्य अभिनेता अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे और 2020 के एंडिंग तक जो है अली अब्बास जाफर की जगह लेते हुए मनीष शर्मा को फिल्म का निर्देशन करने के लिए चुना गया था अब अभिनेता सलमान खान और कैटरीना कैफ को पूर्वावर्तियों की भूमिका को दोबारा निभाने की पुष्टि की गई थी और फिल्मांकन मार्च दो के तीसरे हफ्ता में शुरू होने की सूचना भी मिली थी छब्बीस फरवरी दो को मुंबई के वाई आर स्टूडियो में एक पारंपरिक पूजा आयोजित की गई थी फिर 4 मार्च 2022 को यशराज फिल्म द्वारा इस परियोजना की आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी वही दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बात कर ले तो आपको बता दे सानु शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थे इस मूवीज के लिए और फरवरी 2021 में सलमान खान और कैटरीना कैफ के टाइगर और जोया के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराने की पुष्टि कर दी गई थी साथ ही इमरान हाशमी ने भी इस परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे टाइगर जिंदा है मूवी में अनुपस्थिति रहने के बाद रणबीर शैरी की फ्रेंचाइनिजी में वापसी की घोषणा कर दी गई मिसाल जेठवा अक्टूबर दो में कलाकारों में शामिल हुए थे जबकि जो है रेवती और रिद्धि जो है डोगरा को एक महीने बाद चुना गया था फिल्म के अंदर शाहरुख खान और ऋतिक रोशन ने कैमियो भूमिका में क्रमश पठान और मेजर कबीर जो है धाली वाला के रूप में अपनी भूमिका इसमें दोहराई है वही दोस्तों प्रमुख फोटोग्राफी मार्च दो में दिल्ली और इस्तांबुल में इस मूवीज की कार्यकारी जो है और फोटोग्राफी वहीं वही शुरू हुआ था वही इस्तांबुल में इसको शूट किया गया जबकि अगस्त 2021 दो हजार इक्कीस में, में एक कार का का पीछा करने दृश्य फिल्माया गया था वहीं आपको बता दें अतिरिक्त जो है दृश्य सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया में फिल्माए गए और भारत में फरवरी 2022 तक नई दिल्ली में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और आगे के एक्शन दृश्यों को अप्रैल दो में मुंबई में फिल्माया गया था शाहरुख खान का कैमियो मॉड आइलैंड में 10 दिनों के शेड्यूल के भीतर जो है फिल्माया गया था इस मूवीज के अंदर जहां आपको बता दे एक एक्शन सीक्वेंस के लिए एक बड़े सेट का निर्माण भी किया गया था वहीं पर रोशन के कैमियों का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया था जो कि यूनिवर्स की अगली किस्त वार टू का निर्देशन करेंगे मुख्य फोटोग्राफी मई दो में सम्पन्न हुई थी ये सब चीजें टाइगर थ्री का मैसेज जो है शीर्षक से एक टीजर 27 सितंबर 2023 को जारी किया गया था यूट्यूब पे आधिकारिक ट्रेलर 16 अक्टूबर 2023 जार को जारी हुआ था यश राज के यूट्यूब चैनल पे ऑफिशियली जो कि आपको अभी भी इसका ट्रेलर देखने को मिल जाता है यश राज प्रोडक्शन के ऊपर वही दोस्तों अगर कहानी को रिव्यू कर ले तो दोस्तों फिल्म की कहानी उन्नीस में शुरू होती है सन उन्नीस में जोया ने अपने पिता जो है आई आए एजेंट रेहान नजर को एक कार बम विस्फोट में मरते हुए देखा था उसके अंतिम जो है संस्कार के बाद जोया को नजर के शिष्य आतिश जो है रहमान द्वारा आई एस आई में शामिल होने के लिए भर्ती किया जाता है फिल्म में में वर्तमान समय आपको बता दें अविनाश टाइगर सिंह राठौर को प्रमुख जो है मैथिली मिलन द्वारा टाइगर के हैंडल गोपी को बचाने के लिए एक मिशन के लिए बुलाया जाता है फिर जिसे जो है पाकिस्तान में योजना बनाए जा रहे एक मिशन के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया गया था फिर वो अपने बचाव के बाद गोपी ने खुलासा किया था कि जोया न्यूजीत जो है मशीन का हिस्सा है और कुछ ही समय बाद वो मर जाती है। टाइगर जोया की जासूसी करना शुरू कर देता है और बाद में उसे रूस में रो एजेंट और फिर जो है से की सुरक्षा का मौका सौंप देता है जो गोपी के साथ काम कर रहा था और पाकिस्तान में जो है बेनकाब होने के पाकिस्तान में बेनकाब होने के बाद जो है देश में वो भाग गया था फिर टाइगर ने जोया को शेख किए हत्या के प्रयास का गवाह बनाया फिर उसे बचाने के बाद टाइगर को आतिश ने पकड़ लिया था जिसने खुलासा किया था कि उसने जोया को लगभग जो है नशीला पदार्थ खिलाकर और उसे और टाइगर के बेटे जूनियर का अपहरण करके शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था वही टाइगर और जोया जो है जूनियर के बदले में इस्तांबुल में आतिश के लिए साइन अप हो चुके थे और वो मिसाइल लॉन्च को वहाँ पे मिसाइल लॉन्च कोर्ट वाला एक जो है बी बी फ्रिकेस चुराने के लिए कहा था, चुराने के लिए कहा था आतिश ने टाइगर और को दोषी परिणाम स्वरूप टाइगर को पाकिस्तान में कैद कर लिया जाता है उसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अनुक्रम में यह पता चलता है कि आतिश ने बारह बारह साल पहले आतिश ने बारह साल पहले प्रमुख भारतीय सेना जनरल की हत्या करके जो है बियान में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति साधी हुई थी वही पटरी से उतरने की कोशिश की थी जोया द्वारा योजना में सहयोग करने से इनकार करने के बाद वह गुप्त रूप से टाइगर को सूचित कर दिया गया था वही आतिश की जो है गर्भवती पत्नी शाहीन बेग हत्या का प्रयास करता है लेकिन टाइगर द्वारा उसे गोली मार दी जाती है आतिश इस बात से इनकार करता है कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था और बाद में उसे कैद कर लिया गया और वहाँ पे आईएसआई से जो है बाहर उसको कर दिया गया था अब टाइगर को मौत की सजा दी जाती है इसके बाद। इसके बाद बाद टाइगर को मौत की सजा दी जाती है लेकिन वह पठान की मदद से जेल से भागने में सफल हो जाता है वह उसके बाद जो इस्लामाबाद जाता है और अपने जो है दत्तक पोत्रा हसन से मिलता है जो कि एक हैकर है जिसे टाइगर ने बचपन में एक आतंकवादी समूह से बचाया था टाइगर की टीम जोया और वहाँ पे आईएसआई एस एजेंट वहाँ पे अबराज और जो है जावेद इस्तांबुल में वहाँ इंतजार कर रहे थे ये सभी लोग फिर इस्तांबुल लौट आते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तानी सेना के जनरल यहाँ पे इम्तियाज हक जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या करने की योजना बना रहे हैं ताकि आतिश उनकी जगह ले सके टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रवेश करती है और ईरानी को योजना सब कुछ बता देती है और फिर टाइगर और जोया ईरानी को एक यहाँ पे भूमिगत जो है बंकर में लेकर जाते हैं वहाँ पे टाइगर हक को और फिर जो सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर कर देते हैं हालांकि आतिश गुप्त रूप से जावेद की मदद से हक को मार देता है जो कि शाहीन का भाई जो है उसे बताया जाता है और टाइगर को हकी हत्या के लिए फंसा दिया जाता है टाइगर के वहाँ पे दल के सदस्य टाइगर के दल के सदस्य जो है अबरार और करण को आतिश और जावेद मार देते हैं जो कि ईरानी का पता फिर बाद में लगाया जाता है फिर टाइगर और जोया ईरानी को भगाने में मदद करते हैं लेकिन हसन और जो है जावेद मारे जाते हैं इस चक्कर में फिर टाइगर और आतिश के बीच लड़ाई हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप टाइगर आतिश को मार देता है ईरानी ने जनता के सामने जो है आतिश की साजिश का खुलासा किया और टाइगर जोया और उनकी टीम निर्दोष साबित हुई क्रेडिट के बाद की में कर्नल सुनील की कबीर और, और उन्हें करने का वही दोस्तों टाइगर थ्री फिल्म को शुरू में ईद के अवसर पर इक्कीस इक्कीस अप्रैल दो को रिलीज किया जा रहा था लेकिन इसके बाद इसे बारह नवम्बर दो तक के लिए स्थगित कर दिया गया और दिवाली के अवसर पर इसे तमिल और तेलुगु में डॉफ के संस्करणों के साथ हिंदी में दुनिया भर में आठ नौ सौ स्क्रीन पर रिलीज किया गया है वहीं भी दोस्तों आपको बता दें इस्लामिक देशों के नकारात्मक के कारण फिल्म को ओमान और कुवैत और जो है कतर में प्रतिबंध कर दिया गया है वहीं भी पिंग गुवेला के हिमेश मांकड़ ने फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया है और लिखा है टाइगर थ्री फिल्म में सलमान खान कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी के दमदार प्रदर्शन के साथ जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस है जबकि कुछ स्थानों पर गति एक मुद्दा बना हुआ है मुख्य कथानक में काफी कुछ छुपा हुआ है बड़े पर्दे पर आपको बाध्य रखने के लिए काफी है उन्होंने कहा और एक भावनात्मक जुड़ाव भी इससे जुड़ा हुआ है ये फिल्म एक एक्शन से भरपूर मनोरंजन फिल्म है बताया जिसमें सलमान खान की अब तक की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बनने की सभी तत्व मौजूद है कहा गया है न्यूज अठारह के सुनील डेढ़िया ने फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है और लिखा है टाइगर थ्री फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है वही इमरान हाशमी एक खलनायक के रूप में अपनी भूमिका के साथ न्याय करते हैं टाइगर थ्री फिल्म में कैमियो में जिसे हर कोई जो है जानता है कि उनके सहित कई जो है मधुर योग्य क्षण भी है सलमान के प्रशंसक जो है इस दिवाली पर दावत कबूल करेंगे चौबीस का और फर्स्ट पोस्ट के बिनम र ने भी इस फिल्म को रिव्यू किया है और उन्होंने फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया और लिखा है सलमान खान और कैटिना कैफे पूरे भाग तीन के एक्शन के लिए खुद को प्रस्तुत किए हुए है जो कि फिल्म स्टाइलिश और फिर जो है 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 लेकिन छोटी भी दिखती लंबे समय तक जो है केवल अगर इसमें जो है अधिक रोमांस और तनाव होता तो ये भी बेहतरीन हो सकता था टाइम्स ऑफ इंडिया के रोनक कोटेचा ने फिल्म को में से फाइव से थ्री स्टार दिया है और लिखा है टाइगर थ्री बड़े पैमाने पर मनोरंजन के लिए पर्याप्त और फिर बारूद के साथ के लिए एक अच्छा है। वही इंडिया टूडे के जीनिया ने फिल्म को पे से रेटिंग दिया और वहीं पर एस एन डी ने लिखा है कि यह त्यारी जो है वीर भरे जासूसी जगत के बावजूद टाइगर अपनी जो, अपनी जो है पकड़ बनाए रखने में कामयाबी रहा है सलमान खान के प्रशंसक जो है निराश नहीं होंगे लेकिन कोई कटिना कैफ को जोया शरीस की फिल्म दे दे तो वहां पेडी टीवी की, 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 की कहानी वही दोस्तों आगे फिल्म के बारे में ये भी रिव्यू करके बताया गया है कि फिल्म की कहानी ठीक ठाक है जिसे एक बार जरूर देखना चाहिए था इसके अलावा दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से मोनिका रावल जिन्हें फिल्म को रिव्यू किया इन्होंने फाइव में से थ्री स्टार स्टार दिया है और विशाल सलमान खान के बारे में कहा है कि इसे अवश्य देखना चाहिए इसलिए नहीं कि ये एक उत्कृष्ट कृति है बल्कि इसलिए कि यह हर रोज नहीं होता है कि आप सलमान खान की फिल्मों को जाकर सिनेमा घरों में देखो वही खान को स्क्रीन जो है स्पेस साझा करते हुए देखे भले ही दोस्तों वह ऐसा क्यों नहीं हो क्योंकि थोड़ी देर बाद निर्देशक जो है मनीष शर्मा ने सभी जो है तत्वों को इस तरह जो है पैक किया है कि ये एक दिलचस्प गाड़ी बनकर उभरती है जबकि कहानी और व्यापक जो है कथानक काफ़ी जटिल और जटिल है जिसमें जो हर कुछ मिनटों में एक नया मोड़ सामने आने की प्रतीक्षा में है लेकिन जो समस्या बनी हुई है वह यहाँ पे अंसंगत गति द दुविन के प्रत्यक्ष जो है मिश्रा ने फिर यही लिखा है कि टाइगर थ्री उन फिल्मों में से एक है जिन्हें शुद्ध एक्शन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी टाइगर और जुया के बीच की प्रेम कहानी और फिर जो है टाइगर फ्रेन चैनी का मुख्य आकर्षण है और इसके बजाय टाइगर थ्री एक उदाहरण उदाहरणकर्ता परिसर और प्रदर्शन की मदद जो है मिशन पर भी केंद्रित है वही भी आपको बता दें रोए स्टार में नए जोड़े जाने और फिर जो है पुराने जो है परिचित किए गए चेहरों के के मिश्रण में लौटने बावजूद टाइगर थ्री में कहानी को बनाने के लिए आवश्यक रोमांस और वहाँ पे चुपचाप जो है यहाँ पे यानी कि चुट जबाए हुए एक चीज आपको जरूर देखने को मिलती है इससे पहले दोस्तों बजरंगी भाई जन के आठ साल बाद सलमान खान फिर से जो है पाकिस्तान पहुंचे इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं बल्कि निर्देशक जो है मनीष शर्मा ने टाइगर को राजनीतिक रूप से जो है विवेकपूर्ण बनाए रखने के लिए राष्ट्र के साथ साथ जो है प्रभु का नाम दोनों का ही आह्वान किया लेकिन यहाँ पे जासूस इसके जो है जो है चचेरे भाई पठान जितना जो है तेज नहीं निकला जिसने जो है इस साल की शुरुआत में भी इस तरह के भू और राजनीतिक क्षेत्रों में शिकार जरूर हुआ वह जो बता दें श्रीधर राघवन द्वारा लिखित की गई जिन्होंने शाहरुख खान की वहाँ पे शाहरुख खान की वापसी वाली एक्शन फिल्म भी लिखी थी उसकी कहानी और फिर यशराज फिल्म के विस्तारित जो है देसी जासूसी ब्राह्मान के इस जो है नबी नतम संस्करण पर पठान की छाया स्पष्ट है जो कि प्रतिपक्षी आतिश रहमान और फिर जो इमरान हाशमी फिर से एक दुष्ट एजेंट है जो कि फिल्म के अंदर व्यक्तिगत जो है नुकसान को राजनीतिक जो है एजेंट के साथ जोड़ते हैं अंतर यह है कि इस बार वह पाकिस्तान की आईएसआई से संबंधित है इस मूवीज के अंदर वही दोस्तों बता दें पूर्वा जो है आईएसआई एजेंट जोया कैटीना कैफ के साथ जो उसका गहरा पुराना संबंध है जो अब जो अब ऑस्ट्रेलिया में टाइगर और उनके बेटे जूनियर के साथ एक शांत जीवन जी रही है क्या जोया जो है जो जो भारत के हितों के खिलाफ काम कर रही है क्या विश्वास की क्या विश्वास की जो है छड़ा वो उपयुक्त रूप से जो है सासी है और जोया की पृष्ठभूमि में हमें एक कैसी कथा में खींचा जाता है जोहार कुछ मिनटों में कुछ अविश्वासनीय एक्शन कोरियोग्राफी के साथ जो है परवजलित होती है लेकिन मुख्य बिंदु यह है कि शाहरुख खान का एक और कैमियो है जो कि जनता के लिए एक सीटी लाइक और सीक्वेंस तैयार किया हुआ है फिल्म के अंदर वही दोस्तों बता दे पीपा ने यह लिखा है कि फिल्म समीक्षा जो है इस उबर और खबर यूथ फिल्म का निर्देशन इन्होंने भी किया है जो कि बता दें फिल्म के अभिनेता सलमान खान और कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी और उनके अलावा कुमुद मिश्रा भी आपको देखने को मिलते हैं कहानी एक प्रतिश्रोध पूर्वक आईएसआई एजेंट टाइगर और जुया को एक ऐसे मिशन पर जाने के लिए मजबूर करती है जो उनके संबंधित देशों के लिए उनकी और उनके अलावा जो है अखंडता को खतरे में डाल देता है लेकिन बीच में आपको बता दें भावनात्मक जो है यहाँ पे टिपेस्ट्री हमें जो है प्रभावित करने में विफल रहती है और यहाँ पे खुफिया जानकारी बुद्धिमानी नहीं बनती है जो कि एक साथ जो है रखने पर वह एक दीपावली और फिर जो है रेसिपी का स्वाद देते हैं जो कि बासी हुई और इसका जो है मतलब ये है कि साजिश हमें कभी भी जो है हमारे सीटों के किनारे तक जो है लाने की धमकी नहीं देता है मूवीज के अंदर इसी तरह दोस्तों सतही रूप से जो है जटिल कथानों को चलाने वाली और वहीं पे वास्तविक जो है राजनीतिक और उतनी जो है समाचार योग्य नहीं है जितनी कि हमने पिछली किश्तों में देखी हुई है वही सलमान खान की फिल्म को परिभाषित करने वाला जो है मजेदार तत्व उतना रसदार नहीं है जितना कि फ्रेंचाइनजी से उम्मीद की जाती उम्मीद की जा सकती है कुछ गहन संवाद भी है जो कि अंकुर चौधरी जैसे अब जो है आईएसआई के नेक जो है इरादे वाले मही महीन देश और उनके अलावा दानिश जो है हुसैन का भी इसमें कुछ चीजें हमें देखने को मिला हुआ है तो दोस्तों ये सभी चीजें बेहतरीन है फिल्म को देखने के लिए वही दोस्तों आपको बता दे अगर आप लोग इस मूवीज़ को देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको अभी सिनेमाघरों में देखने को मिलता है दोस्तों ये फिल्म आपको कहीं भी अभी नहीं देखने को मिलेगा ये फिल्म अभी आपको सिनेमाघरों में ही देखने को मिल रहा है वही दोस्तों फिल्म की अब तक की टोटल इनकम के बारे में हम बात कर ले तो अभी तक दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे दो करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है तो चलिए दोस्तों अब अब ऐसे विस्तार में बात कर लेते हैं टाइगर थ्री फिल्म के बारे में बता दें दोस्तों ये फिल्म साल दो में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है और इस मूवीज को यशराज फिल्म के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है वहीं पे दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर सलमान खान कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी ने अभिनय किया है वही दोस्तों बता दें आपको ये फिल्म टाइगर जिंदा है मूवी की साल दो में रिलीज हुई की अगली कड़ी है वहीं पे ये फिल्म वाई आर एफ एस पाई यूनिवर्स में पांचवी किस्त है इसी के साथ आपको बता दें ये फिल्म टाइगर जिंदा है मूवी साल 2017 में और वार फिल्म 2019 और पठान फिल्म 2023 की घटनाओं पर फिल्म की कहानी आधारित है जो कि टाइगर जिंदा है की घटनाओं के बाद टाइगर और जोया को आतिश रहमान नाम के एक पुरुआ आई एजेंट द्वारा फिल्म के अंदर देश द्रोह के रूप में फसाया जाता है और वो अपना नाम साफ करने के लिए जान लेवा जो है धर्म युद्ध पर उतर आते हैं दोस्तों ये कहानी आपको इस मूवीज के अंदर देखने को मिलती है अगर बात करें फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की तो इस मूवीज की फोटोग्राफी मार्च 2021 में दिल्ली मुंबई और इस्तांबुल में शुरू हुआ था इस्तांबुल में सेट जो है पीटर्स बर्ग और बयानवी फिल्मांकन के साथ जो शुरू हुई और फिल्म का साउंड के बारे में हम बात कर ले तो प्रीतम द्वारा तैयार किया गया है फिल्म के म्यूजिक को जबकि आपको बता दें बैकग्राउंड स्कोर तनुज टिकू द्वारा तैयार किया गया है वहीं इस मूवीज की बजट के बारे में हम बात करें तो इस पूरी फिल्म को बनाने में तीन सौ करोड़ रुपए खर्च हुए हैं या दोस्तों और ये एक बहुत बड़ी रकम है किसी हिंदी बॉलीवुड फिल्म के लिए टाइगर थ्री फिल्म को दिवाली के मौके पर जैसे कि आप लोग को पता है बारह नवम्बर दो को रिलीज किया गया था आई मेक्स और फिर अन्य प्रीमियर जो है प्रारूपों में रिलीज किया गया था और दोस्तों रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है खास करके फिल्म का एक्शन दिवसीय और उनकी जो प्रशंसाएं हैं और फिल्म में जो टेक्निकी पहलू का इस्तेमाल किया गया है वो भी ठीक ठाक है वही दोस्तों विकास के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म की विकास 2020 की शुरुआत में ये बताया गया था कि फिल्म टाइगर जिंदा है मूवी का साल 2017 का सीक्वल विकसित में आया हुआ है इसमें मुख्य अभिनेता अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे और 2020 के एंडिंग तक जो है अली अब्बास जाफर की जगह लेते हुए मनीष शर्मा को फिल्म का निर्देशन करने के लिए चुना गया था अब अभिनेता सलमान खान और कैटरीना कैफ को पूर्वाओ की भूमिका को दोबारा निभाने की पुष्टि की गई थी और फिल्मांकन मार्च दो के तीसरे हफ्ता में शुरू होने की सूचना भी मिली थी छब्बीस फरवरी दो को मुंबई के वाई आर स्टूडियो में एक पारंपरिक पूजा आयोजित की गई थी फिर 4 मार्च 2022 को यशराज फिल्म द्वारा इस परियोजना की आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी वही दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बात कर ले तो आपको बता दे सानु शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थे इस मूवीज के लिए और फरवरी 2021 में सलमान खान और कैटरीना कैफ के, के टाइगर और जोया के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराने की पुष्टि कर दी गई थी साथ ही इमरान हाशमी ने भी इस परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे टाइगर जिंदा है मूवी में अनुपस्थिति रहने के बाद रणबीर शैरी की फ्रेंचाइनिजी में वापसी की घोषणा कर दी गई मिसाल जेठवा अक्टूबर दो में कलाकारों में शामिल हुए थे जबकि जो है रेवती और रिद्धि जो है डोगरा को एक महीने बाद चुना गया था फिल्म के अंदर शाहरुख खान और ऋतिक रोशन ने कैमियो भूमिका में क्रमश पठान और मेजर कबीर जो है धाली वाला के रूप में अपनी भूमिका इसमें दोहराई है वही दोस्तों प्रमुख फोटोग्राफी मार्च दो में दिल्ली और इस्तांबुल में इस मूवीज की कार्यकारी जो है और फोटोग्राफी वहीं पे शुरू हुआ था वहीं इस्तांबुल में इसको शूट किया गया जबकि अगस्त 2021 में सेंट जो है पीटर्स में एक कार का पीछा करने का दृश्य फिल्माया गया था वहीं पे आपको बता दें अतिरिक्त जो है दृश्य सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया में फिल्माए गए और भारत में फरवरी 2022 तक नई दिल्ली में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और आगे के एक्शन दृश्यों को अप्रैल 2023 में मुंबई में फिल्माया गया था शाहरुख खान का कैमियो मॉड आइलैंड में 10 दिनों के शेड्यूल के भीतर जो है फिल्माया गया था इस मूवीज के अंदर जहां आपको बता दे एक के लिए एक बड़े सेट का निर्माण भी किया गया था वहीं पर ऋतिक रोशन के कैमियो का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया था जो कि यूनिवर्स की अगली किस्त वार टू का निर्देशन करेंगे मुख्य फोटोग्राफी मई दो में सम्पन्न हुई थी सब चीजें टाइगर थ्री का मैसेज जो है शीर्षक से एक टीजर 27 सितंबर 2023 को जारी किया गया था यूट्यूब पे आधिकारिक ट्रेलर 16 अक्टूबर 2023 को जारी हुआ था यश राज के यूट्यूब चैनल पे ऑफिशियली जो कि आपको अभी भी इसका ट्रेलर देखने को मिल जाता है यश राज प्रोडक्शन के ऊपर वही दोस्तों अगर कहानी को रिव्यू कर ले तो दोस्तों फिल्म की कहानी उन्नीस में शुरू होती है सन उन्नीस में जोया ने अपने पिताजी भाई आई आई एजेंट रेहान नजर को एक कार बम विस्फोट में मरते हुए देखा था उसके अंतिम जो है संस्कार के बाद जोया को नजर के शिष्य आतीश जो है रहमान द्वारा आईएसआई में शामिल होने के लिए भर्ती किया जाता है फिल्म में वर्तमान समय में आपको बता दें अविनाश टाइगर सिंह राठौर को रोह प्रमुख जो है मैथिली मिलन द्वारा टाइगर के पूर्वा हैंडल गोपी आर्या को बचाने के लिए एक मिशन के लिए बुलाया जाता है फिर जिसे जो है पाकिस्तान में योजना बनाए जा रहे एक मिशन के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया गया था फिर वो अपने बचाव के बाद गोपी ने खुलासा किया था कि जोया नियोजित जो है 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 मशीन का हिस्सा और कुछ ही समय बाद वो मर जाती है। टाइगर जोया की जासूसी करना शुरू कर देता है और बाद में में उसे रूस रो एजेंट और फिर जो है से की सुरक्षा का मौका सौंप देता है जो गोपी के साथ काम कर रहा था और पाकिस्तान में जो है बेनकाब होने के पाकिस्तान में बेनकाब होने के बाद जो है देश में वो भाग गया था फिर टाइगर ने जोया को शेख किए हत्या के प्रयास का गवाह बनाया फिर उसे बचाने के बाद टाइगर को आतिश ने पकड़ लिया था जिसने खुलासा किया था कि उसने जोया को लगभग जो है नशीला पदार्थ खिलाकर और उसे और टाइगर के बेटे जूनियर का अपहरण करके शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था वही टाइगर और जोया जो है जूनियर के बदले में इस्तांबुल में आतिश के लिए साइन अप हो चुके थे और वो मिसाइल लॉन्च को वहाँ पे मिसाइल लॉन्च कोड वाला एक जो है बी बी

जनरल की हत्या करके जो है बयान में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति शादी हुई थी वही पट्टी से उतरने की कोशिश की थी जोया द्वारा योजना में सहयोग करने से इनकार करने के बाद वह गुप्त रूप से टाइगर को सूचित कर दिया गया था वही आतिश की जो है गर्भवती पत्नी शाहीन बेग हत्या का प्रयास करता है लेकिन टाइगर द्वारा उसे गोली मार दी जाती है आतिश इस बात से इनकार करता है कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था और बाद में उसे कैद कर लिया गया और वहाँ पे आईएसआई से जो है बाहर उसको कर दिया गया था अब टाइगर टाइगर को को मौत मौत की की सजा सजा दी दी जाती जाती है है इसके इसके बाद बाद लेकिन वह पठान की मदद से जेल से भागने में सफल हो जाता है वह उसके बाद जो इस्लामाबाद जाता है और अपने जो है दत्तक पोत्रा हसन से मिलता है जो कि एक हैकर है इसे टाइगर ने बचपन में एक आतंकवादी समूह से बचाया था टाइगर की टीम जोया और वहाँ पे आईएसआई एस एजेंट वहाँ पे अबराज और जो है जावेद इस्तांबुल में वहाँ इंतजार कर रहे थे ये सभी लोग फिर इस्तांबुल लौट आते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तानी सेना के जनरल पे इम्तियाज हक जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या करने की योजना बना रहे हैं ताकि आतिश उनकी जगह ले सके टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रवेश करती है और ईरानी को योजना सब कुछ बता देती है और फिर टाइगर और जोया ईरानी को एक यहाँ पे भूमिगत जो है बंकर में लेकर जाते हैं वहाँ पे टाइगर हक को और फिर जो है सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर कर देते हैं हालांकि आतिश गुप्त रूप से जावेद की मदद से हक को मार देता है जो कि शाहीन का भाई जो है उसे बताया जाता है और टाइगर को हक की हत्या के लिए फंसा दिया जाता है टाइगर के वहाँ पे दल के सदस्य टाइगर के दल के सदस्य जो है अबरार और करण को आतिश और जावेद मार देते हैं जो कि ईरानी का पता फिर बाद में लगाया जाता है फिर टाइगर और जोया ईरानी को भगाने में मदद करते हैं लेकिन हसन और जो है जावेद मारे जाते हैं इस चक्कर में फिर टाइगर और आतिश के बीच लड़ाई हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप टाइगर आतिश को मार देता है ईरानी ने जनता के सामने जो है आतिश की साजिश का खुलासा किया और टाइगर जोया और उनकी टीम वहां पर निर्दोष साबित हुई क्रेडिट के बाद के दृश्य में कर्नल सुनील लूथरा की कबीर और फिर जो है धालीवाला से संपर्क किया जाता है और उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या करने का काम सौंपा जाता है कहानी के एंडिंग में तो दोस्तों ये कहानी है टाइगर थ्री फिल्म की वही दोस्तों टाइगर थ्री फिल्म को शुरू में ईद के अवसर पर इक्कीस इक्कीस अप्रैल दो को रिलीज किया जा रहा था लेकिन इसके बाद इसे बारह नवम्बर दो तक के लिए स्थगित कर दिया गया और दिवाली के अवसर पर इसे तमिल और तेलुगु में डॉफ के संस्करणों के साथ हिंदी में दुनिया भर में आठ नौ सौ स्क्रीन पर रिलीज किया गया है वहीं भी दोस्तों आपको बता दें इस्लामिक देशों के नकारात्मक चीत के कारण फिल्म को ओमान और कुवैत और जो है कतर में प्रतिबंध कर दिया गया है वहीं भी पिंक गुवे के हिमेश मांगड ने फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया है और लिखा है टाइगर थ्री फिल्म में सलमान खान कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी के दमदार प्रदर्शन के साथ जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस है जबकि कुछ स्थानों पर गति एक मुद्दा बना हुआ है मुख्य कथानक में काफी कुछ छुपा हुआ है बड़े पर्दे पर आपको बाध्य रखने के लिए काफी है उन्होंने कहा और एक भावनात्मक जुड़ाव भी इससे जुड़ा हुआ है ये फिल्म एक एक्शन से भरपूर मनोरंजन फिल्म है बताया जिसमें सलमान खान की अब तक की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बनने की सभी तत्व मौजूद है कहा गया है न्यूज अठारह के सुनील डेढ़िया ने फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है और लिखा है टाइगर थ्री फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है वही इमरान हाशमी एक खलनायक के रूप में अपनी भूमिका के साथ न्याय करते हैं टाइगर थ्री फिल्म में कैमियो में जिसे हर कोई जो है जानता है कि उनके सहित कई जो मधुर योग्य क्षण भी है सलमान के प्रशंसक जो है इस दिवाली पर दावत कबूल करेंगे चौबीस का और फर्स्ट पोस्ट के बिनम रमाथुर ने भी इस फिल्म को रिव्यू किया है और उन्होंने फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया और लिखा है सलमान खान और कैटरीना कैफे बुरे जोश के साथ भाग तीन के एक्शन के लिए खुद को प्रस्तुत किए हुए हैं जो कि फिल्म स्टाइलिश और फिर जो स्कीक है लेकिन छोटी भी दिखती है लंबे समय तक जो है केवल अगर इसमें जो है अधिक रोमांस और तनाव होता तो ये भी बेहतरीन हो सकता था टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने फिल्म को फाइव से थ्री स्टार दिया है और लिखा है टाइगर थ्री बड़े पैमाने पर मनोरंजन के लिए पर्याप्त और फिर जो है बारूद के साथ फिल्म चाइनेजी के लिए एक अच्छा अतिरिक्त है वही इंडिया टूडे के जीनिया बंधो पाध्या ने फिल्म को फाइव से थ्री पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग दिया और वहीं पे एस एन डी ने लिखा है कि अत्यारी जो है भीर भरे जासूसी जगत के बावजूद टाइगर अपनी जो अपनी जो है पकड़ बनाए रखने में कामयाबी रहा है सलमान खान के प्रशंसक जो है निराश नहीं होंगे लेकिन कोई कटिना कैफ को जोया शरीस की फिल्म दे दे तो वहाँ पे एंडी टी वी के सहब चटर्जी ने भी फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दी वही उन्होंने इन सितारों के साथ लिखा है कि एक या दो सितारों की उपस्थिति के बिना फिल्म की यात्रा व्यर्थ हो जाती है जो सतही स्तर की लगती है फिल्म की कहानी वही दोस्तों आगे फिल्म के बारे में ये भी रिव्यू करके बताया गया है कि फिल्म की कहानी ठीक ठाक है जिसे एक बार जरूर देखना चाहिए था इसके अलावा दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से मोनिका रावल जिन्हें फिल्म को रिव्यू किया इन्होंने फाइव में से थ्री स्टार स्टार दिया है और विशाल सलमान खान के बारे में कहा है कि इसे अवश्य देखना चाहिए इसलिए नहीं कि ये एक उत्कृष्ट कृति है बल्कि इसलिए कि यह हर रोज नहीं होता है कि आप सलमान खान की फिल्मों को जाकर सिनेमा घरों में देखो वही खान को स्क्रीन जो है स्पेस साझा करते हुए देखे भले ही दोस्तों वह ऐसा क्यों नहीं हो क्योंकि थोड़ी देर बाद निर्देशक जो है मनीष शर्मा ने सभी जो तत्वों को इस तरह जो है पैक किया है कि ये एक दिलचस्प गाड़ी बनकर उभरती है जबकि कहानी और व्यापक जो है कहाना काफ़ी जटिल और जटिल है जिसमें जो हर कुछ मिनटों में एक नया मोड़ सामने आने की प्रतीक्षा में है लेकिन जो समस्या बनी हुई है वह यहाँ पे अंसंगत गति द कोविन के प्रत्यक्ष जो है मिश्रा ने फिर यही लिखा है कि टाइगर थ्री उन फिल्मों में से एक है जिन्हें शुद्ध एक्शन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी टाइगर और जूया के बीच की प्रेम कहानी और फिर जो है टाइगर फ्रेन चैनी का मुख्य आकर्षण है और इसके बजाय टाइगर थ्री एक उदाहरण उदाहरणकर्ता परिसर और प्रदर्शन की मदद जो है मिशन पर भी केंद्रित है वही भी आपको बता दें रोए स्टार में नए जोड़े जाने और फिर जो है पुराने जो है परिचित किए गए चेहरों के के मिश्रण में लौटने बावजूद टाइगर थ्री में कहानी को बनाने के लिए आवश्यक रोमांस और वहाँ पे चुप जो है यहाँ पे यानी कि चुट जबाए हुए एक चीज आपको जरूर देखने को मिलती है इससे पहले दोस्तों बजरंगी भाई जन के आर साल सलमान खान फिर से जो है पाकिस्तान पहुंचे इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं बल्कि निर्देशक जो है मनीष शर्मा ने टाइगर को राजनीतिक रूप से जो है विवेकपूर्ण बनाए रखने के लिए राष्ट्रग्रान के साथ साथ प्रभु का नाम दोनों का ही आह्वान किया लेकिन यहाँ पे जासूस इसके जो आध्यात्मिक जो है चचेरे भाई पठान जितना जो है तेज नहीं निकला जिसने जो है इस साल की शुरुआत में भी इस तरह के भू और राजनीतिक क्षेत्रों में शिकार जरूर हुआ वह जो बता दें श्रीधर राघवन द्वारा लिखित की गई जिन्होंने शाहरुख खान की वहाँ पे शाहरुख खान की वापसी वाली एक्शन फिल्म भी लिखी थी उसकी कहानी और फिर यशराज फिल्म के विस्तारित जो है देसी जासूसी से ब्राह्मान के इस जो है नबी नतम संस्करण पर पठान की छाया स्पष्ट है जो कि प्रतिपक्षी आतिश रहमान और फिर जो इमरान हाशमी फिर से एक दुष्ट एजेंट है जो कि फिल्म के अंदर व्यक्तिगत जो है नुकसान को राजनीतिक जो है एजेंट के साथ जोड़ते हैं अंतर यह है कि इस बार वह पाकिस्तान की आईएसआई से संबंधित है इस मूवीज़ के अंदर वही दोस्तों बता दें पूर्वा जो है आईएसआई एजेंट जोया एजेंट के कैफ के साथ जो 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 उसका गहरा पुराना संबंध है जो अब ऑस्ट्रेलिया जो में टाइगर और उनके बेटे जूनियर के साथ एक शांत जीवन जी रही है क्या जोया जो है भारत के हितों के खिलाफ काम कर रही है क्या विश्वास की क्या विश्वास की जो है छड़ा उपयुक्त रूप से जो है सासी है और जोया की पृष्ठभूमि में हमें

अभिनेता सलमान खान और कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी और उनके अलावा कुमुद मिश्रा भी आपको देखने को मिलते हैं कहानी एक प्रतिशोध आईएसआई एजेंट टाइगर और जूया को एक ऐसे मिशन पर जाने के लिए मजबूर करती है जो उनके संबंधित देशों के लिए उनकी और उनके अलावा जो है अखंडता को खतरे में डाल देता है लेकिन बीच में आपको बता दें भावनात्मक जो है यहाँ पे टिपेस्टोरी हमें जो है प्रभावित करने में विफल रहती है और यहाँ पे खुफिया जानकारी बुद्धिमानी नहीं बनती है जो कि एक साथ जो है रखने पर वह एक दीपावली और फिर जो है रेसिपी का स्वाद देते हैं जो कि बासी हुई और इसका जो है मतलब ये है कि साजिश हमें कभी भी जो है हमारे सीटों के किनारे तक जो है लाने की धमकी नहीं देता है मूवीज के अंदर इसी तरह दोस्तों सतही रूप से जो है जटिल कथानक को चलाने वाली और वहीं पे वास्तविक जो है राजनीतिक और उतनी जो है समाचार योग्य नहीं है जितनी कि हमने पिछली किस्तों में देखी हुई है वही सलमान खान की फिल्म को परिभाषित करने वाला जो है मजेदार तत्व उतना रसदार नहीं है जितना कि से उम्मीद की जाती उम्मीद की जा सकती है कुछ गहन संवाद भी है जो कि अंकुर चौधरी जैसे अब जो है आईएसआई के नेक जो है इरादे वाले मही महीन देश और उनके अलावा दानिश जो है हुसैन का भी इसमें कुछ चीजें हमें देखने को मिला हुआ है तो दोस्तों ये सभी चीजें बेहतरीन है फिल्म को देखने के लिए वही दोस्तों आपको बता दे अगर आप लोग इस मूवीज़ को देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको अभी सिनेमाघरों में देखने को मिलता है दोस्तों ये फिल्म आपको कहीं भी अभी नहीं देखने को मिलेगा ये फिल्म अभी आपको सिनेमाघरों में ही देखने को मिल रहा है वही दोस्तों फिल्म की अब तक की टोटल इनकम के बारे में हम बात कर ले तो अभी तक दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे दो सौ पैंसठ करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है तो चलिए दोस्तों अब अब ऐसे विस्तार में बात कर लेते हैं टाइगर थ्री फिल्म के बारे में बता दें दोस्तों ये फिल्म साल दो में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है और इस मूवीज को यशराज फिल्म के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है वही पे दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर सलमान खान कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी ने अभिनय किया है वही दोस्तों बता दें आपको ये फिल्म टाइगर जिंदा है मूवी की साल 2017 में रिलीज हुई की अगली कड़ी है वहीं पे ये फिल्म वाई आर एफ एस पाई यूनिवर्स में पांचवी किस्त है इसी के साथ आपको बता दें ये फिल्म टाइगर जिंदा है मूवी साल 2017 में और वार फिल्म 2019 और पठान फिल्म 2023 की घटनाओं पर फिल्म की कहानी आधारित है जो कि टाइगर जिंदा है की घटनाओं के बाद टाइगर और जोया को आतिश रहमान नाम के एक पुरुआ आई एजेंट द्वारा फिल्म के अंदर देशद्रोह के रूप में फंसाया जाता है और वो अपना नाम साफ करने के लिए जान लेवा जो है धर्म युद्ध पर उतर आते हैं दोस्तों ये कहानी आपको इस मूवीज के अंदर देखने को मिलती है तो अगर बात करें फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की तो इस मूवीज की फोटोग्राफी मार्च 2021 में दिल्ली मुंबई और इस्तांबुल में शुरू हुआ था इस्तांबुल में सेट जो है बर्ग और में फिल्म फिल्मांकन के साथ जो है शुरू हुई और फिल्म का साउंड के बारे में हम बात कर ले तो प्रीतम द्वारा तैयार किया गया है फिल्म के म्यूजिक को जबकि आपको बता दें बैकग्राउंड स्कोर तनुज टिकू द्वारा तैयार किया गया है वहीं इस मूवीज की बजट के बारे में हम बात करें तो इस पूरी फिल्म को बनाने में तीन सौ करोड़ रुपए खर्च हुए हैं या दोस्तों और ये एक बहुत बड़ी रकम है किसी हिंदी बॉलीवुड फिल्म के लिए टाइगर थ्री फिल्म को दिवाली के मौके पर जैसे कि आप लोग को पता है बारह नवम्बर दो को रिलीज किया गया था आई मेक्स और फिर अन्य प्रीमियर जो है प्रारूपों में रिलीज किया गया था और दोस्तों रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है खास करके फिल्म का एक्शन दृश्य और उनकी जो प्रशंसाएं हैं और फिल्म में जो टेक्निकी पहलू का इस्तेमाल किया गया है वो भी ठीक ठाक है वही दोस्तों विकास के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म की विकास 2020 की शुरुआत में ये बताया गया था कि फिल्म टाइगर जिंदा है मूवी का साल 2017 का सीक्वल विकसित में आया हुआ है इसमें मुख्य अभिनेता अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे और 2020 के एंडिंग तक जो है अली अब्बास जाफर की जगह लेते हुए मनीष शर्मा को फिल्म का निर्देशन करने के लिए चुना गया था अब अभिनेता सलमान खान और कैटरीना कैफ को पूर्वाओ की भूमिका को दोबारा निभाने की पुष्टि की गई थी और फिल्मांकन मार्च दो के तीसरे हफ्ता में शुरू होने की सूचना भी मिली थी छब्बीस फरवरी दो को मुंबई के वाई आर स्टूडियो में एक पारंपरिक पूजा आयोजित की गई थी फिर 4 मार्च 2022 को यशराज फिल्म द्वारा इस परियोजना की आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी वही दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बात कर ले तो आपको बता दे सानु शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थे इस मूवीज के लिए और फरवरी 2021 में सलमान खान और कैटरीना कैफ के टाइगर और जोया के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराने की पुष्टि कर दी गई थी साथ ही इमरान हाशमी ने भी इस परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे टाइगर जिंदा है मूवी में अनुपस्थिति रहने के बाद रणबीर शैरी की फ्रेंचाइनिजी में वापसी की घोषणा कर दी गई मिसाल जेठवा अक्टूबर दो में कलाकारों में शामिल हुए थे जबकि जो है रेवती और रिद्धि जो है डोगरा को एक महीने बाद चुना गया था फिल्म के अंदर शाहरुख खान और ऋतिक रोशन ने कैमियो भूमिका में क्रमश पठान और मेजर कबीर जो है धाली वाला के रूप में अपनी भूमिका इसमें दोहराई है वही दोस्तों प्रमुख फोटोग्राफी मार्च दो में दिल्ली और इस्तांबुल में इस मूवीज की कार्यकारी जो है और फोटोग्राफी वहीं पे शुरू हुआ था वहीं इस्तांबुल में इसको शूट किया गया जबकि अगस्त 2021 में सेंट जो है पीटर्स बर्ग में एक कार का पीछा करने का दृश्य फिल्माया गया था वहीं पे आपको बता दें अतिरिक्त जो है दृश्य सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया में फिल्माए गए और भारत में फरवरी 2022 तक नई दिल्ली में फिल्मांकन फिर शुरू हुआ और आगे के एक्शन दिवसों को अप्रैल 2023 में मुंबई में फिल्माया गया था शाहरुख खान का कैमियो मॉड आइलैंड में 10 दिनों के शेड्यूल के भीतर जो है फिल्माया गया था इस मूवीज के अंदर जहां आपको बता दे एक एक्शन सीक्वेंस के लिए एक बड़े सेट का निर्माण भी किया गया था वहीं पर ऋतिक रोशन के कैमियों का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया था जो कि यूनिवर्स की अगली किस्त वार टू का निर्देशन करेंगे मुख्य फोटोग्राफी मई दो में सम्पन्न हुई थी ये सब चीजें टाइगर थ्री का मैसेज जो है शीर्षक से एक टीजर 27 सितंबर 2023 को जारी किया गया था यूट्यूब पे आधिकारिक ट्रेलर 16 अक्टूबर 2023 को जारी हुआ था यश राज के यूट्यूब पे मिल जाता है राज के वही दोस्तों, अगर को कर ले दोस्तों फिल्म की कहानी उन्नीस में शुरू होती है सन उन्नीस में जोया ने अपने पिताज भाई आई आए एजेंट रेहान नजर को एक कार बम विस्फोट में मरते हुए देखा था उसके अंतिम जो है संस्कार के बाद जोया को नजर के शिष्य आतीश जो है रहमान द्वारा आईएसआई में शामिल होने के लिए भर्ती किया जाता है फिल्म में वर्तमान समय में आपको बता दें अविनाश टाइगर सिंह राठौर को रो प्रमुख जो है मैथिली मिलन द्वारा टाइगर के पूर्वा हैंडल गोपी आर्या को बचाने के लिए एक मिशन के लिए बुलाया जाता है फिर जिसे जो है पाकिस्तान में योजना बनाए जा रहे एक मिशन के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया गया था फिर वो अपने बचाव के बाद गोपी ने खुलासा किया था कि जोया नियोजित जो है 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 मशीन का हिस्सा और कुछ ही समय बाद वो मर जाती है। टाइगर जोया की जासूसी करना शुरू कर देता है और बाद में उसे रूस में रो एजेंट और फिर जो है जिब्राल से की सुरक्षा का मौका सौंप देता है जो गोपी के साथ काम कर रहा था और पाकिस्तान में जो है बेनकाब होने के पाकिस्तान में बेनकाब होने के बाद जो है देश में वो भाग गया था फिर टाइगर ने जोया को शेख किए हत्या के प्रयास का गवाह बनाया फिर उसे बचाने के बाद टाइगर को आतिश ने पकड़ लिया था जिसने खुलासा किया था कि उसने जोया को लगभग जो है नशीला पदार्थ खिलाकर और उसे और टाइगर के बेटे जूनियर का अपहरण करके शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था वही टाइगर और जोया जो है जूनियर के बदले में इस्तांबुल में आतिश के लिए साइन अप हो चुके थे और वो पी मिसाइल लॉन्च को वहां पे मिसाइल लॉन्च कोड वाला एक जो है बी बी

जनरल की हत्या करके जो है बियान में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति शादी हुई थी वही पटरी से उतरने की कोशिश की थी जोया द्वारा योजना में सहयोग करने से इनकार करने के बाद वह गुप्त रूप से टाइगर को सूचित कर दिया गया था वही आतिश की जो है गर्भवती पत्नी साहिन बेग हत्या का प्रयास करता है लेकिन टाइगर द्वारा उसे गोली मार दी जाती है आतिश इस बात से इनकार करता है कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था और बाद में उसे कैद कर लिया गया और वहाँ पे आईएसआई से जो है बाहर उसको कर दिया गया था अब टाइगर टाइगर को को मौत मौत की की सजा सजा दी दी जाती जाती है है इसके इसके बाद बाद लेकिन वह पठान की मदद से जेल से भागने में सफल हो जाता है वह उसके बाद जो इस्लामाबाद जाता है और अपने जो है दत्तक पोत्रा हसन से मिलता है जो कि एक हैकर है इसे टाइगर ने बचपन में एक आतंकवादी समूह से बचाया था टाइगर की टीम जोया और वहाँ पे आईएसआई एस एजेंट वहाँ पे अबराज और जो है जावेद इस्तांबुल में वहाँ इंतजार कर रहे थे ये सभी लोग फिर इस्तांबुल लौट आते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तानी सेना के जनरल पे इम्तियाज हक जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या करने की योजना बना रहे हैं ताकि आतिश उनकी जगह ले सके टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रवेश करती है और ईरानी को योजना सब कुछ बता देती है और फिर टाइगर और जोया ईरानी को एक यहाँ पे भूमिगत जो है बंकर में लेकर जाते हैं वहाँ पे टाइगर हक को और फिर जो सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर कर देते हैं हालांकि आतिश गुप्त रूप से जावेद की मदद से हक को मार देता है जो कि शाहीन का भाई जो है उसे बताया जाता है और टाइगर को हक की हत्या के लिए फंसा दिया जाता है टाइगर के वहां पे दल के सदस्य टाइगर के दल के सदस्य जो है अबरार और करण को आतिश और जावेद मार देते हैं जो कि ईरानी का पता फिर बाद में लगाया जाता है फिर टाइगर और जोया ईरानी को भगाने में मदद करते हैं लेकिन हसन और जो है जावेद मारे जाते हैं इस चक्कर में फिर टाइगर और आतिश के बीच लड़ाई हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप टाइगर आतिश को मार देता है ईरानी ने जनता के सामने जो है आतिश की साजिश का खुलासा किया और टाइगर जोया और उनकी टीम वहां पर निर्दोष साबित हुई क्रेडिट के बाद के दृश्य में कर्नल सुनील लूथरा की कबीर और फिर जो है धालीवाला से संपर्क किया जाता है और उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या करने का काम सौंपा जाता है कहानी के एंडिंग में तो दोस्तों ये कहानी है टाइगर थ्री फिल्म की वही दोस्तों टाइगर थ्री फिल्म को शुरू में ईद के अवसर पर इक्कीस इक्कीस अप्रैल दो को रिलीज किया जा रहा था लेकिन इसके बाद इसे बारह नवम्बर दो तक के लिए स्थगित कर दिया गया और दिवाली के अवसर पर इसे तमिल और तेलुगु में डॉफ के संस्करणों के साथ हिंदी में दुनिया भर में आठ नौ सौ स्क्रीन पर रिलीज किया गया है वहीं भी दोस्तों आपको बता दें इस्लामिक देशों के नकारात्मक चीत के कारण फिल्म को ओमान और कुवैत और जो है कतर में प्रतिबंध कर दिया गया है वहीं भी पिंक गुला के हिमेश माकड ने फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया है और लिखा है टाइगर थ्री फिल्म में सलमान खान कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी के दमदार प्रदर्शन के साथ जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस है जबकि कुछ स्थानों पर गति एक मुद्दा बना हुआ है मुख्य कथानक में काफी कुछ छुपा हुआ है बड़े पर्दे पर आपको बाध्य रखने के लिए काफी है उन्होंने कहा और एक भावनात्मक जुड़ाव भी इससे जुड़ा हुआ है ये फिल्म एक एक्शन से भरपूर मनोरंजन फिल्म है बताया जिसमें सलमान खान की अब तक की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बनने की सभी तत्व मौजूद है कहा गया है न्यूज अठारह के सुनील डेढ़िया ने फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है और लिखा है टाइगर थ्री फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है वहीं इमरान हाशमी एक खलनायक के रूप में अपनी भूमिका के साथ न्याय करते हैं टाइगर थ्री फिल्म में कैमियो में जिसे हर कोई जो है जानता है कि उनके सहित कई जो मधुर योग्य क्षण भी है सलमान के प्रशंसक जो है इस दिवाली पर दावत कबूल करेंगे चौबीस का और फर्स्ट पोस्ट के बिनम रमाथुर ने भी इस फिल्म को रिव्यू किया है और उन्होंने फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया और लिखा है सलमान खान और कैटरीना कैफे पूरे जोश के साथ भाग तीन के एक्शन के लिए खुद को प्रस्तुत किए हुए हैं जो कि फिल्म स्टाइलिश और फिर जो स्कीक है लेकिन छोटी भी दिखती है लंबे समय तक जो है केवल अगर इसमें जो है अधिक रोमांस और तनाव होता तो ये भी बेहतरीन हो सकता था टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने फिल्म को में से फाइव से थ्री स्टार दिया है और लिखा है टाइगर थ्री बड़े पैमाने पर मनोरंजन के लिए पर्याप्त और फिर जो है बारूद के साथ फ्रेंचाइजी के लिए एक अच्छा अतिरिक्त है वही इंडिया टूडे के जीनिया बंधो पाध्या ने फिल्म को फाइव से थ्री पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग दिया और वहीं पे एस एन डी ने लिखा है की अत्यारी जो है भीर भरे जासूसी जगत के बावजूद टाइगर अपनी जो अपनी जो है पकड़ बनाए रखने में कामयाबी रहा है सलमान खान के प्रशंसक जो है निराश नहीं होंगे लेकिन कोई कटिना कैफ को जोया शरीस की फिल्म दे दे तो वहाँ पे इंडी टी वी के सेबल चटोर जी ने भी फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दी वही उन्होंने इन सितारों के साथ लिखा है कि एक या दो सितारों की उपस्थिति की बिना फिल्म की यात्रा व्यर्थ हो जाती है जो सतही स्तर की लगती है फिल्म की कहानी वही दोस्तों आगे फिल्म के बारे में ये भी रिव्यू करके बताया गया है कि फिल्म की कहानी ठीक ठाक है जिसे एक बार जरूर देखना चाहिए था इसके अलावा दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से मोनिका रावल जिन्हें फिल्म को रिव्यू किया इन्होंने फाइव में से थ्री स्टार स्टार दिया है और विशाल सलमान खान के बारे में कहा है कि इसे अवश्य देखना चाहिए इसलिए नहीं कि ये एक उत्कृष्ट कृति है बल्कि इसलिए कि यह हर रोज नहीं होता है कि आप सलमान खान की फिल्मों को जाकर सिनेमा घरों में देखो वही खान को स्क्रीन जो है स्पेस साझा करते हुए देखे भले ही दोस्तों वह ऐसा क्यों नहीं हो क्योंकि थोड़ी देर बाद निर्देशक जो है मनीष शर्मा ने सभी जो है तत्वों को इस तरह जो है पैक किया है कि ये एक दिलचस्प गाड़ी बनकर उभरती है जबकि कहानी और व्यापक जो है कहाना काफ़ी जटिल और जटिल है जिसमें जो हर कुछ मिनटों में एक नया मोड़ सामने आने की प्रतीक्षा में है लेकिन जो समस्या बनी हुई है वह यहाँ पे अंसंगत गति द दुविन के प्रत्यक्ष जो है मिश्रा ने फिर यही लिखा है कि टाइगर थ्री उन फिल्मों में से एक है जिन्हें शुद्ध एक्शन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी टाइगर और जूया के बीच की प्रेम कहानी और फिर जो है टाइगर फ्रेन चैनी का मुख्य आकर्षण है और इसके बजाय टाइगर थ्री एक उदाहरण उदाहरणकर्ता परिसर और प्रदर्शन की मदद जो है मिशन पर भी केंद्रित है वही भी आपको बता दें स्टार में नए जोड़े जाने और फिर जो है जो है है पुराने परिचित किए गए चेहरों के के मिश्रण में लौटने बावजूद टाइगर थ्री में कहानी को बनाने के लिए आवश्यक रोमांस और, और वहाँ पे चुपचाप जो है यहाँ पे यानी कि चुट जबाए हुए एक चीज आपको जरूर देखने को मिलती है इससे पहले दोस्तों बजरंगी भाई जन के आठ साल बाद सलमान खान फिर से जो है पाकिस्तान पहुंचे इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं बल्कि निर्देशक जो है मनीष शर्मा ने टाइगर को राजनीतिक रूप से जो है विवेकपूर्ण बनाए रखने के लिए राष्ट्रग्रान के साथ साथ जो है प्रभु का नाम दोनों का ही आह्वान किया लेकिन यहाँ पे जासूस इसके जो आध्यात्मिक जो है चचेरे भाई पठान जितना जो है तेज नहीं निकला जिसने जो है इस साल की शुरुआत में भी इस तरह के भू और राजनीतिक क्षेत्रों में शिकार जरूर हुआ वो जो बता दें श्रीधर राघवन द्वारा लिखित की गई जिन्होंने शाहरुख खान की वहां पे शाहरुख खान की वापसी वाली एक्शन फिल्म भी लिखी थी उसकी कहानी और फिर यश राज फिल्म के विस्तारित जो है देसी जासूसी ब्राहमान के इस जो है नबीनतम संस्करण पर पठान की छाया स्पष्ट है जो कि प्रतिपक्षी आतिश रहमान और फिर जो इमरान हाशमी फिर से एक दुष्ट एजेंट है जो कि फिल्म के अंदर व्यक्तिगत जो है नुकसान को राजनीतिक जो है एजेंट के साथ जोड़ते हैं अंतर यह है कि इस बार वह पाकिस्तान की आईएसआई से संबंधित है इस मूवीज़ के अंदर वही दोस्तों बता दें पूर्वा जो है आईएसआई एजेंट जोया कैफ के साथ जो उसका गहरा पुराना संबंध है जो अब जो अब ऑस्ट्रेलिया में टाइगर और उनके बेटे जूनियर के साथ एक शांत जीवन जी रही है क्या जोया जो है जो जो भारत के हितों के खिलाफ काम कर रही है क्या विश्वास की क्या विश्वास की जो है छड़ा उपयुक्त रूप से जो है सासी है और जोया की पृष्ठभूमि में हमें ये कैसी कथा में खींचा जाता है जो हर कुछ मिनटों में कुछ अविश्वासनीय एक्शन कोरियोग्राफी के साथ जो है, है परवजलित होती है लेकिन मुख्य बिंदु यह है कि शाहरुख खान का एक और कैमियो है जो कि जनता के लिए एक सीटी लाइक और सीक्वेंस तैयार किया हुआ है फिल्म के अंदर वही दोस्तों बता दे पीपा ने यह लिखा है कि फिल्म समीक्षा जो है इस उबड़ और खबर यूथ फिल्म का निर्देशन इन्होंने भी किया है जो कि बता दे फिल्म के अभिनेता सलमान खान और कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी और उनके अलावा कुमुद मिश्रा भी आपको देखने को मिलते हैं कहानी एक प्रतिशोध प्रतिश्रोधपूर्वक आईएसआई एजेंट टाइगर और जूया को एक ऐसे मिशन पर जाने के लिए मजबूर करती है जो उनके संबंधित देशों के लिए उनकी और उनके अलावा जो अखंडता को खतरे में डाल देता है लेकिन बीच में आपको बता दें भावनात्मक जो है यहाँ पे टिपेस्ट्री हमें जो है प्रभावित करने में विफल रहती है और यहाँ पे खुफिया जानकारी बुद्धिमानी नहीं बनती है जो कि एक साथ जो है रखने पर वह एक दीपावली और फिर जो है रेसिपी का स्वाद देते हैं जो कि बासी हुई और इसका जो है मतलब ये है कि साजिश हमें कभी भी जो है हमारे सीटों के किनारे तक जो है लाने की धमकी नहीं देता है मूवीज के अंदर इसी तरह दोस्तों सतही रूप से जो है जटिल कथानक को चलाने वाली और वहीं पे वास्तविक जो है राजनीतिक और उतनी जो है समाचार योग्य नहीं है जितनी कि हमने पिछली किस्तों में देखी हुई है वहीं सलमान खान की फिल्म को परिभाषित करने वाला जो है मजेदार तत्व उतना रसदार नहीं है जितना कि से उम्मीद की जाती उम्मीद की जा सकती है कुछ गहन संवाद भी है जो कि अंकुर चौधरी जैसे अब जो है आईएसआई के नेक जो है इरादे वाले मही महीन देश और उनके अलावा दानिश जो है हुसैन का भी इसमें कुछ चीजें हमें देखने को मिला हुआ है तो दोस्तों ये सभी चीजें बेहतरीन है फिल्म को देखने के लिए वही दोस्तों आपको बता दे अगर आप लोग इस मूवीज़ को देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको अभी सिनेमाघरों में देखने को मिलता है दोस्तों ये फिल्म आपको कहीं भी अभी नहीं देखने को मिलेगा ये फिल्म अभी आपको सिनेमाघरों में ही देखने को मिल रहा है वही दोस्तों फिल्म की अब तक की टोटल इनकम के बारे में हम बात कर ले तो अभी तक दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे दो सौ पैंसठ करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई किया है तो चलिए दोस्तों अब से विस्तार में बात कर लेते हैं टाइगर थ्री फिल्म के बारे में बता दें दोस्तों ये फिल्म साल दो में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है और इस मूवीज को यशरज फिल्म के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है वही पे दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर सलमान खान कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी ने अभिनय किया है वही दोस्तों बता दें आपको ये फिल्म टाइगर जिंदा है मूवी की साल 2017 में रिलीज हुई की अगली कड़ी है वहीं पे ये फिल्म वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स में पांचवी किस्त है इसी के साथ आपको बता दें ये फिल्म टाइगर जिंदा है मूवी साल 2017 में और वार फिल्म 2019 और पठान फिल्म 2023 की घटनाओं पर फिल्म की कहानी आधारित है जो कि टाइगर जिंदा है की घटनाओं के बाद टाइगर और जोया को आतिश रहमान नाम के एक पुरवा आई एजेंट द्वारा फिल्म के अंदर देशद्रोह के रूप में फंसाया जाता है और वो अपना नाम साफ करने के लिए जान लेवा जो है धर्म युद्ध पर उतर आते हैं दोस्तों ये कहानी आपको इस मूवीज के अंदर देखने को मिलती है अगर बात करें फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की तो इस मूवीज की फोटोग्राफी मार्च 2021 में दिल्ली मुंबई और इस्तांबुल में शुरू हुआ था इस्तांबुल में सेट जो है पीटर्सबर्ग और बयान में फिल्मांकन के साथ जो है शुरू हुई और फिल्म का साउंड के बारे में हम बात कर ले तो प्रीतम द्वारा तैयार किया गया है फिल्म के म्यूजिक को जबकि आपको बता दें बैकग्राउंड स्कोर तनुज टिकू द्वारा तैयार किया गया है वहीं इस मूवीज़ की बजट के बारे में हम बात करें तो इस पूरी फिल्म को बनाने में तीन सौ करोड़ रुपए खर्च हुए हैं या दोस्तों और ये एक बहुत बड़ी रकम है किसी हिंदी बॉलीवुड फिल्म के लिए टाइगर थ्री फिल्म को दिवाली के मौके पर जैसे कि आप लोग को पता है बारह नवम्बर दो को रिलीज किया गया था आई मेक्स और फिर अन्य प्रीमियर जो है प्रारूपों में रिलीज किया गया था और दोस्तों रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है खास करके फिल्म का एक्शन दृश्य और उनकी जो प्रशंसाएं हैं और फिल्म में जो टेक्निकी पहलू का इस्तेमाल किया गया है वो भी ठीक ठाक है वही दोस्तों विकास के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म की विकास 2020 की शुरुआत में ये बताया गया था कि फिल्म टाइगर जिंदा है मूवी का साल 2017 का सीक्वल विकसित में आया हुआ है इसमें मुख्य अभिनेता अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे और 2020 के एंडिंग तक जो है अली अब्बास जाफर की जगह लेते हुए मनीष शर्मा को फिल्म का निर्देशन करने के लिए चुना गया था अब अभिनेता सलमान खान और कैटरीना कैफ को पूर्वावर्तियों की भूमिका को दोबारा निभाने की पुष्टि की गई थी और फिल्मांकन मार्च 2021 के तीसरे हफ्ता में शुरू होने की सूचना भी मिली थी 26 फरवरी 2021 को मुंबई के वाई आर स्टूडियो में एक पारंपरिक पूजा आयोजित की गई थी फिर 4 मार्च 2022 को यशराज फिल्म द्वारा इस परियोजना की आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी वही दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बात कर ले तो आपको बता दे सानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थे इस मूवीज के लिए और फरवरी दो में सलमान खान और कैटरीना कैफ के टाइगर और जोया के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराने की पुष्टि कर दी गई थी साथ ही इमरान हाशमी ने भी इस परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे टाइगर जिंदा है मूवी में अनुपस्थिति रहने के बाद रणबीर शैरी की फ्रेंचाइनिजी में वापसी की घोषणा कर दी गई मिसाल जेठवा अक्टूबर दो में कलाकारों में शामिल हुए थे जबकि जो है रेवती और रिद्धि जो है डोगरा को एक महीने बाद चुना गया था फिल्म के अंदर शाहरुख खान और ऋतिक रोशन ने कैमियो भूमिका में क्रमश पठान और मेजर कबीर जो है धाली वाला के रूप में अपनी भूमिका इसमें दोहराई है वही दोस्तों प्रमुख फोटोग्राफी मार्च दो में दिल्ली और इस्तांबुल में इस मूवीज की कार्यकारी जो है और फोटोग्राफी वहीं पे शुरू हुआ था वहीं इस्तांबुल में इसको शूट किया गया, दो अगस्त 2021 में ऑस्ट्रेलिया में का गए और भारत में फरवरी 2022 तक नई दिल्ली में फिल्मांकन से शुरू हुआ और आगे के एक्शन दृश्यों को अप्रैल 2023 में मुंबई में फिल्माया गया था शाहरुख खान का कैमियो मॉड आइलैंड में 10 दिनों के शेड्यूल के भीतर जो है फिल्माया गया था इस मूवीज के अंदर जहां आपको बता दे एक एक्शन सीक्वेंस के लिए एक बड़े सेट का निर्माण भी किया गया था वहीं पे ऋतिक रोशन के कैमियो का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया था जो कि यूनिवर्स की अगली किस्त वार टू का निर्देशन करेंगे मुख्य फोटोग्राफी मई दो में सम्पन्न हुई थी ये सब चीजें टाइगर थ्री का मैसेज जो है शीर्षक से एक टीजर 27 सितंबर 2023 को जारी किया गया था यूट्यूब पे आधिकारिक ट्रेलर 16 अक्टूबर 2023 जार को जारी हुआ था यश राज के यूट्यूब चैनल पे ऑफिशियली जो कि आपको अभी भी इसका ट्रेलर देखने को मिल जाता है यश राज प्रोडक्शन के ऊपर वही दोस्तों अगर कहानी को रिव्यू कर ले तो दोस्तों फिल्म की कहानी उन्नीस में शुरू होती है सन उन्नीस में जोया ने अपने पिताज भाई आई आई आए एजेंट रेहान नजर को एक कार बम विस्फोट में मरते हुए देखा था उसके अंतिम जो है संस्कार के बाद जोया को नजर के शिष्य आतीश जो है रहमान द्वारा आईएसआई में शामिल होने के लिए भर्ती किया जाता है फिल्म में वर्तमान समय में आपको बता दें अविनाश टाइगर सिंह राठौर को रोह प्रमुख जो है मैथिली मिलन द्वारा टाइगर के पूर्वा हैंडल गोपी आर्या को बचाने के लिए एक मिशन के लिए बुलाया जाता है फिर जिसे जो है पाकिस्तान में योजना बनाए जा रहे एक मिशन के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया गया था फिर वो अपने बचाव के बाद गोपी ने खुलासा किया था कि जोया नियोजित जो है 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 मशीन का हिस्सा और कुछ ही समय बाद वो मर जाती है। टाइगर जोया की जासूसी करना शुरू कर देता है और बाद में में उसे रूस में रो एजेंट और जीवरान से की सुरक्षा का मौका सौंप देता है जो गोपी के साथ काम कर रहा था और पाकिस्तान में जो है बेनकाब होने के पाकिस्तान में बेनकाब होने के बाद जो है देश में वो भाग गया था फिर टाइगर ने जोया को शेख किए हत्या के प्रयास का गवाह बनाया फिर उसे बचाने के बाद टाइगर को आतिश ने पकड़ लिया था जिसने खुलासा किया था कि उसने जोया को लगभग जो है नशीला पदार्थ खिलाकर और उसे और टाइगर के बेटे जूनियर का अपहरण करके शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था वही टाइगर और जोया जो है जूनियर के बदले में इस्तांबुल में आतिश के लिए साइन अप हो चुके थे और वो मिसाइल लॉन्च को वहां पे मिसाइल लॉन्च कोर्ट वाला एक जो है बी बी चुराने के लिए कहा था चुराने के लिए कहा था की की अपनी जो है टीम भर्ती करते हुए इसके बाद आतिश ने टाइगर और जोया को उनके संबंधित जो है देशों द्वारा देशद्रोह के रूप में दोषी ठहराया गया इसके परिणाम स्वरूप टाइगर को पाकिस्तान में कैद कर लिया जाता है उसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अनुक्रम में यह पता चलता है कि आतिश ने बारह बारह साल पहले आतिश ने बारह साल पहले प्रमुख भारतीय सेना जनरल की हत्या करके जो है बियान में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति सादी हुई थी वही पट्टी से उतरने की कोशिश की थी जोया द्वारा योजना में सहयोग करने से इनकार करने के बाद वह गुप्त रूप से टाइगर को सूचित कर दिया गया था वही आतिश की जो है गर्भवती पत्नी साहिन बेग हत्या का प्रयास करता है लेकिन टाइगर द्वारा उसे गोली मार दी जाती है आतिश इस बात से इनकार करता है कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था और बाद में उसे कैद कर लिया गया और वहाँ पे आईएसआई से जो है बाहर उसको कर दिया गया था अब टाइगर को मौत की सजा दी जाती है इसके बाद। इसके बाद बाद टाइगर को मौत की सजा दी जाती है लेकिन वह पठान की मदद से जेल से भागने में सफल हो जाता है वह उसके बाद जो इस्लामाबाद जाता है और अपने जो है दत्तक पोत्रा हसन से मिलता है जो कि एक हैकर है जिसे टाइगर ने बचपन में एक आतंकवादी समूह से बचाया था टाइगर की टीम जोया और वहाँ पे आईएसआई एजेंट वहाँ पे अबराज और जो है जावेद इस्तांबुल में इंतज़ार कर रहे थे ये सभी लोग फिर इस्तांबुल लौट आते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तानी सेना के जनरल यहाँ पे इम्तियाज हक जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या करने की योजना बना रहे हैं ताकि आतिश उनकी जगह ले सके टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रवेश करती है और ईरानी को योजना सब कुछ बता देती है और फिर टाइगर और जोया ईरानी को एक यहाँ पे भूमिगत जो है बंकर में लेकर जाते हैं वहाँ पे टाइगर हक को और फिर जोया सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर कर देते हैं हालांकि आतिश गुप्त रूप से जावेद की मदद से हक को मार देता है जो कि शाहीन का भाई जो है उसे बताया जाता है और टाइगर को हक की हत्या के लिए फंसा दिया जाता है टाइगर के वहां पे दल के सदस्य टाइगर के दल के सदस्य जो है अबरार और करण को आतिश और जावेद मार देते हैं जो कि ईरानी का पता फिर बाद में लगाया जाता है फिर टाइगर और जोया ईरानी को भगाने में मदद करते हैं लेकिन हसन और जो है जावेद मारे जाते हैं इस चक्कर में फिर टाइगर और आतिश के बीच लड़ाई हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप टाइगर आतिश को मार देता है ईरानी ने जनता के सामने जो है आतिश की साजिश का खुलासा किया और टाइगर जोया और उनकी टीम वहां पर निर्दोष साबित हुई क्रेडिट के बाद के दृश्य में कर्नल सुनील लूथरा की कबीर और फिर जो है धालीवाला से संपर्क किया जाता है और उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या करने का काम सौंपा जाता है कहानी के एंडिंग में तो दोस्तों ये कहानी है टाइगर थ्री फिल्म की वही दोस्तों टाइगर थ्री फिल्म को शुरू में ईद के अवसर पर इक्कीस इक्कीस अप्रैल दो को रिलीज किया जा रहा था लेकिन इसके बाद इसे बारह नवम्बर दो तक के लिए स्थगित कर दिया गया और दिवाली के अवसर पर इसे तमिल और तेलुगु में डॉफ के संस्करणों के साथ हिंदी में दुनिया भर में आठ नौ सौ स्क्रीन पर रिलीज किया गया है वहीं भी दोस्तों आपको बता दें इस्लामिक देशों के नकारात्मक चीत रन के कारण फिल्म को ओमान और कुवैत और जो है कतर में प्रतिबंध कर दिया गया है वहीं भी पिंक गुवेला के हिमेश माकड ने फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया है और लिखा है टाइगर थ्री फिल्म में सलमान खान कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी के दमदार प्रदर्शन के साथ जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस है जबकि कुछ स्थानों पर गति एक मुद्दा बना हुआ है मुख्य कथानक में काफी कुछ छुपा हुआ है बड़े पर्दे पर आपको बाध्य रखने के लिए काफी है उन्होंने कहा और एक भावनात्मक जुड़ाव भी इससे जुड़ा हुआ है ये फिल्म एक एक्शन से भरपूर मनोरंजन फिल्म है बताया जिसमें सलमान खान की अब तक की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बनने की सभी तत्व मौजूद है कहा गया है न्यूज अठारह के सुनील डेढ़िया ने फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है और लिखा है टाइगर थ्री फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है वहीं इमरान हाशमी एक खलनायक के रूप में अपनी भूमिका के साथ न्याय करते हैं टाइगर थ्री फिल्म में कैमियो में जिसे हर कोई जो है जानता है कि उनके सहित कई जो मधुर योग्य क्षण भी है सलमान के प्रशंसक जो है इस दिवाली पर दावत कबूल करेंगे चौबीस का और फर्स्ट पोस्ट के बिनम रमा ने भी इस फिल्म को रिव्यू किया है और उन्होंने फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया और लिखा है सलमान खान और कैटिना कैफे के साथ भाग तीन के के लिए खुद को हुए हैं जो कि फिल्म है, और फिर जो है, है लेकिन छोटी भी दिखती है, है अधिक रोमांस और तनाव होता तो ये भी बेहतरीन हो सकता था टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने फिल्म को में से फाइव से थ्री स्टार दिया है और लिखा है टाइगर थ्री बड़े पैमाने पर मनोरंजन के लिए पर्याप्त और फिर जो है बारूद के साथ फिल्म चैनजी के लिए एक अच्छा अतिरिक्त है वही इंडिया टूडे के जीनिया बंधो पाध्या ने फिल्म को फाइव से थ्री पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग दिया और वहीं पे एस एन डी ने लिखा है कि अत्यादि जो है भीड़ भरे जासूसी जगत के बावजूद टाइगर अपनी जो अपनी जो है पकड़ बनाए रखने में कामयाबी रहा है सलमान खान के प्रशंसक जो है निराश नहीं होंगे लेकिन कोई कटिना कैफ को जोया

फाइव में से थ्री स्टार स्टार दिया है और विशाल सलमान खान के बारे में कहा है कि इसे अवश्य देखना चाहिए इसलिए नहीं कि ये एक उत्कृष्ट कृति है बल्कि इसलिए कि यह हर रोज नहीं होता है कि आप सलमान खान की फिल्मों को जाकर सिनेमा घरों में देखो वही खान को स्क्रीन जो है स्पेस साझा करते हुए देखे भले ही दोस्तों वह ऐसा क्यों नहीं हो क्योंकि थोड़ी देर बाद निर्देशक जो है मनीष शर्मा ने सभी जो तत्वों को इस तरह जो है पैक किया है कि ये एक दिलचस्प गाड़ी बनकर उभरती है जबकि कहानी और व्यापक जो है कधाना काफ़ी जटिल और जटिल है जिसमें जो हर कुछ मिनटों में एक नया मोड़ सामने आने की प्रतीक्षा में है लेकिन जो समस्या बनी हुई है वह यहाँ पे अंसंगत गति द कोविन के प्रत्यक्ष जो है मिश्रा ने फिर यही लिखा है कि टाइगर थ्री उन फिल्मों में से एक है जिन्हें शुद्ध एक्शन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी टाइगर और जूया के बीच की प्रेम कहानी और फिर जो है टाइगर फ्रेन चैनी का मुख्य आकर्षण है और इसके बजाय टाइगर थ्री एक उदाहरण उदाहरणकर्ता परिसर और प्रदर्शन की मदद जो है मिशन पर भी केंद्रित है वही भी आपको बता दें रोए स्टार में नए जोड़े जाने और फिर जो है पुराने जो है परिचित किए गए चेहरों के के मिश्रण में लौटने बावजूद टाइगर थ्री में कहानी को बनाने के लिए आवश्यक रोमांस और वहाँ पे चुपचाप जो है यहाँ पे यानी कि चुट जबाए हुए एक चीज आपको जरूर देखने को मिलती है इससे पहले दोस्तों बजरंगी भाई जन के आर सलमान खान फिर से जो है पाकिस्तान पहुंचे इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं बल्कि निर्देशक जो है मनीष शर्मा ने टाइगर को राजनीतिक रूप से जो है विवेकपूर्ण बनाए रखने के लिए राष्ट्रग्रान के साथ साथ जो है प्रभु का नाम दोनों का ही आह्वान किया लेकिन यहाँ पे जासूस इसके जो आध्यात्मिक जो है चचेरे भाई पठान जितना जो है तेज नहीं निकला जिसने जो है इस साल की शुरुआत में भी इस तरह के भू और राजनीतिक क्षेत्रों में शिकार जरूर हुआ वही बता दें श्रीधर राघवन द्वारा लिखित की गई जिन्होंने शाहरुख खान की वहाँ पे शाहरुख खान की वापसी वाली एक्शन फिल्म भी लिखी थी उसकी कहानी और फिर यश फिल्म के विस्तारित जो है देसी जासूसी ब्राह्मान के इस जो है नबीनतम संस्करण पर पठान की छाया स्पष्ट है जो कि प्रतिपक्षी आतिश रहमान और फिर जो इमरान हाशमी फिर से एक दुष्ट एजेंट है जो कि फिल्म के अंदर व्यक्तिगत जो है नुकसान को राजनीतिक जो है एजेंट के साथ जोड़ते हैं अंतर यह है कि इस बार वह पाकिस्तान की आईएसआई से संबंधित है इस मूवीज के अंदर वही दोस्तों बता दें पूर्वा जो है आईएसआई एजेंट जोया कैटीना कैफ के साथ जो उसका गहरा पुराना संबंध है जो अब जो अब ऑस्ट्रेलिया में टाइगर और उनके बेटे जूनियर के साथ एक शांत जीवन जी रही है क्या जोया जो है जो जो भारत के हितों के खिलाफ काम कर रही है क्या विश्वास की क्या विश्वास की जो है छड़ा वो उपयुक्त रूप से जो है सासी है और जोया की पृष्ठभूमि में हमें एक कथा में जाता है जो कुछ है, में कुछ जनता के लिए एक सीटी लाइक और सीक्वेंस तैयार किया हुआ है फिल्म के अंदर वही दोस्तों बता दे पीपा ने यह लिखा है कि फिल्म समीक्षा जो है इस उबड़ और खबर यूथ फिल्म का निर्देशन इन्होंने भी किया है जो कि बता दे फिल्म के अभिनेता सलमान खान और कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी और उनके अलावा कुमुद मिश्रा भी आपको देखने को मिलते हैं कहानी एक प्रतिशोध प्रतिशोधपूर्वक आईएसआई एजेंट टाइगर और जूया को एक ऐसे मिशन पर जाने के लिए मजबूर करती है जो उनके संबंधित देशों के लिए उनकी और उनके अलावा जो अखंडता को खतरे में डाल देता है लेकिन बीच में आपको बता दें भावनात्मक जो है यहाँ पे टिपेस्ट्री हमें जो है प्रभावित करने में विफल रहती है और यहाँ पे खुफिया जानकारी बुद्धिमानी नहीं बनती है जो कि एक साथ जो है रखने पर हुआ एक दीपावली और फिर जो है रेसिपी का स्वाद देते हैं जो कि बासी हुई और इसका जो है मतलब ये है कि साजिश हमें कभी भी जो है हमारे सीटों के किनारे तक जो है लाने की धमकी नहीं देता है मूवीज के अंदर इसी तरह दोस्तों सतही रूप से जो है जटिल कथानक को चलाने वाली और वहीं पे वास्तविक जो है राजनीतिक और उतनी जो है समाचार योग्य नहीं है जितनी कि हमने पिछली किस्तों में देखी हुई है वही सलमान खान की फिल्म को परिभाषित करने वाला जो है मजेदार तत्व उतना रसदार नहीं है जितना की फ्रेंची से उम्मीद की जाती उम्मीद की जा सकती है कुछ गहन संवाद भी है जो कि अंकुर चौधरी जैसे अब जो है आईएसआई के नेक जो है इरादे वाले मही महीन देश और उनके अलावा दानिश जो है हुसैन का भी इसमें कुछ चीजें हमें देखने को मिला हुआ है तो दोस्तों ये सभी चीजें बेहतरीन है फिल्म को देखने के लिए वही दोस्तों आपको बता दे अगर आप लोग इस मूवीज़ को देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको अभी सिनेमाघरों में देखने को मिलता है दोस्तों ये फिल्म आपको कहीं भी अभी नहीं देखने को मिलेगा ये फिल्म अभी आपको सिनेमाघरों में ही देखने को मिल रहा है वही दोस्तों फिल्म की अब तक की टोटल इनकम के बारे में हम बात कर ले तो अभी तक दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे दो सौ पैंसठ करोड़ रुपए से अधिक की कमाई किया है तो चलिए दोस्तों अब हम ऐसे विस्तार में बात कर लेते हैं टाइगर थ्री फिल्म के बारे में बता दें दोस्तों ये फिल्म साल दो में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है और इस मूवीज को यशराज फिल्म के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है वहीं पे दोस्तों फिल्म नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर सलमान खान कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी ने अभिनय किया है वही दोस्तों बता दें आपको ये फिल्म टाइगर जिंदा है मूवी की साल दो में रिलीज हुई की अगली कड़ी है वही पे ये फिल्म वाई आर एफ एस यूनिवर्स में पांचवी किस्त है इसी के साथ आपको बता दें ये फिल्म टाइगर जिंदा है मूवी साल 2017 में और वार फिल्म 2019 और पठान फिल्म 2023 की घटनाओं पर फिल्म की कहानी आधारित है जो कि टाइगर जिंदा है की घटनाओं के बाद टाइगर और जोया को आतिश रहमान नाम के एक पूर्वा आई एस एजेंट द्वारा फिल्म के अंदर देश के रूप में फंसाया जाता है और वो अपना नाम साफ करने के लिए जान लेवा जो है धर्म युद्ध पर उतर आते हैं दोस्तों ये कहानी आपको इस मूवीज के अंदर देखने को मिलती है अगर बात करें फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की तो इस मूवीज़ की फोटोग्राफी मार्च 2021 में दिल्ली मुंबई और इस्तांबुल में शुरू हुआ था इस्तांबुल में सेट जो है पीटर्स बर्ग और में फिल्म फिल्मांकन के साथ जो है शुरू हुई और फिल्म का साउंड के बारे में हम बात कर ले तो प्रीतम द्वारा तैयार किया गया है फिल्म के म्यूजिक को जबकि आपको बता दें बैकग्राउंड स्कोर तनुज टिकू द्वारा तैयार किया गया है वहीं इस मूवीज़ की बजट के बारे में हम बात करें तो इस पूरी फिल्म को बनाने में तीन सौ करोड़ रुपए खर्च हुए हैं या दोस्तों और ये एक बहुत बड़ी रकम है किसी हिंदी बॉलीवुड फिल्म के लिए टाइगर थ्री फिल्म को दिवाली के मौके पर जैसे कि आप लोग को पता है बारह नवम्बर दो को रिलीज किया गया था आई मेक्स और फिर अन्य प्रीमियर जो है प्रारूपों में रिलीज किया गया था और दोस्तों रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है खास करके फिल्म का एक्शन दृश्य और उनकी जो प्रशंसाएं हैं और फिल्म में जो टेक्निकी पहलू का इस्तेमाल किया गया है वो भी ठीक ठाक है वही दोस्तों विकास के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म की विकास 2020 की शुरुआत में ये बताया गया था कि फिल्म टाइगर जिंदा है मूवी का साल 2017 का सीक्वल विकसित में आया हुआ है इसमें मुख्य अभिनेता अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे और 2020 के एंडिंग तक जो है अली अब्बास जाफर की जगह लेते हुए मनीष शर्मा को फिल्म का निर्देशन करने के लिए चुना गया था अब अभिनेता सलमान खान और कैटरीना कैफ को पूर्वाओ की भूमिका को दोबारा निभाने की पुष्टि की गई थी और फिल्मांकन मार्च दो के तीसरे हफ्ता में शुरू होने की सूचना भी मिली थी छब्बीस फरवरी दो को मुंबई के वाई आर स्टूडियो में एक पारंपरिक पूजा आयोजित की गई थी फिर 4 मार्च 2022 को यशराज फिल्म द्वारा इस परियोजना की आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी वही दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बात कर ले तो आपको बता दे सानु शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थे इस मूवीज के लिए और फरवरी दो में सलमान खान और कैटरीना कैफ के, के टाइगर और जोया के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराने की पुष्टि कर दी गई थी साथ ही इमरान हाशमी ने भी इस परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे टाइगर जिंदा है मूवी में अनुपस्थिति रहने के बाद रणबीर शैरी की फ्रेंचाइनिजी में वापसी की घोषणा कर दी गई अक्टूबर दो अक्टूबर इक्कीस में कलाकारों में शामिल हुए थे जबकि जो है रेवती और रिद्धि जो है डोगरा को एक महीने बाद चुना गया था फिल्म के अंदर शाहरुख खान और ऋतिक रोशन ने कैमियो भूमिका में क्रमश पठान और मेजर कबीर जो है धाली वाला के रूप में अपनी भूमिका इसमें दोहराई है वही दोस्तों प्रमुख फोटोग्राफी मार्च दो में दिल्ली और इस्तांबुल में इस मूवीज की कार्यकारी जो है और फोटोग्राफी वहीं पे शुरू हुआ था वही इस्तांबुल में इसको शूट किया गया जबकि अगस्त दो हजार इक्कीस में, में एक कार का का पीछा करने दृश्य फिल्माया गया था वहीं आपको बता दें अतिरिक्त जो है दृश्य सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया में फिल्माए गए और भारत में फरवरी 2022 तक नई दिल्ली में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और आगे के एक्शन दृश्यों को अप्रैल 2023 में मुंबई में फिल्माया गया था शाहरुख खान का कैमियो मॉड आइलैंड में 10 दिनों के शेड्यूल के भीतर जो है फिल्माया गया था इस मूवीज के अंदर जहां आपको बता दें एक बड़े सेट का निर्माण भी किया गया था वहीं पर ऋतिक रोशन के कैमियो का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया था जो कि यूनिवर्स की अगली किस्त वार टू का निर्देशन करेंगे मुख्य फोटोग्राफी मई 2023 में, में संपन्न हुई थी सब चीजें टाइगर थ्री का मैसेज जो है शीर्षक से एक टीजर 27 सितंबर 2023 को जारी किया गया था यूट्यूब पे आधिकारिक ट्रेलर 16 अक्टूबर 2023 को जारी हुआ था यश राज के यूट्यूब चैनल पे ऑफिशियली जो कि आपको अभी भी इसका ट्रेलर देखने को मिल जाता है यश राज प्रोडक्शन के ऊपर वही दोस्तों अगर कहानी को रिव्यू कर ले तो दोस्तों फिल्म की कहानी उन्नीस में शुरू होती है सन उन्नीस में जोया ने अपने पिताजी भाई आई आई एजेंट रेहान नजर को एक कार बम विस्फोट में मरते हुए देखा था उसके अंतिम जो है संस्कार के बाद जोया को नजर के शिष्य आतीश जो है रहमान द्वारा आईएसआई में शामिल होने के लिए भर्ती किया जाता है फिल्म में वर्तमान समय में आपको बता दें अविनाश टाइगर सिंह राठौर को रोह प्रमुख जो है मैथिली मिलन द्वारा टाइगर के पूर्वा हैंडल गोपी आर्या को बचाने के लिए एक मिशन के लिए बुलाया जाता है फिर जिसे जो है पाकिस्तान में योजना बनाए जा रहे एक मिशन के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया गया था फिर वो अपने बचाव के बाद गोपी ने खुलासा किया था कि जोया जो जो की जासूसी करना शुरू कर देता है और मौका सौंप देता है जो गोपी के साथ काम कर रहा था और पाकिस्तान में जो है बेनकाब होने के पाकिस्तान में बेनकाब होने के बाद जो है देश में वो भाग गया था फिर टाइगर ने जोया को शेख किए हत्या के प्रयास का गवाह बनाया फिर उसे बचाने के बाद टाइगर को आतिश ने पकड़ लिया था जिसने खुलासा किया था कि उसने जोया को लगभग जो है नशीला पदार्थ खिलाकर और और उसे और टाइगर के बेटे जूनियर का अपहरण करके शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था वही टाइगर और जोया जो है जूनियर के बदले में इस्तांबुल में आतिश के लिए साइन अप हो चुके थे और वो मिसाइल लॉन्च को वहां पे मिसाइल लॉन्च कोर्ट वाला एक जो है बी बी फ्रिकेश चुराने के लिए कहा था चुराने के लिए कहा था की की अपनी जो है टीम भर्ती करते हुए इसके बाद आतिश ने टाइगर और जोया को उनके संबंधित जो है देशों द्वारा देशद्रोह के रूप में दोषी ठहराया गया इसके परिणाम स्वरूप टाइगर को पाकिस्तान में कैद कर लिया जाता है उसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अनुक्रम में यह पता चलता है कि आतिश ने बारह बारह साल पहले आतिश ने बारह साल पहले प्रमुख भारतीय सेना जनरल की हत्या करके जो है बयान में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति साधी हुई थी वही पटरी से उतरने की कोशिश की थी जोया द्वारा योजना में सहयोग करने से इनकार करने के बाद वह गुप्त रूप से टाइगर को सूचित कर दिया गया था वही आतिश की जो है गर्भवती पत्नी साहिन बेग हत्या का प्रयास करता है लेकिन टाइगर द्वारा उसे गोली मार दी जाती है आतिश इस बात से इनकार करता है कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था

वहाँ पे अबराज और जो है जावेद इस्तांबुल में वहाँ इंतजार कर रहे थे ये सभी लोग फिर इस्तांबुल लौट आते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तानी सेना के जनरल यापी इम्तियाज हक जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या करने की योजना बना रहे हैं ताकि आतिश उनकी जगह ले सके टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रवेश करती है और ईरानी को योजना सब कुछ बता देती है और फिर टाइगर और जोया को एक पे जो है बंकर में लेकर जाते हैं वहाँ पे टाइगर हक को और फिर सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर कर देते हैं हालांकि आतिश गुप्त रूप से जावेद की मदद से हक को मार देता है जो कि शाहिन का भाई जो है उसे बताया जाता है और टाइगर को हक की हत्या के लिए फंसा दिया जाता है टाइगर के वहाँ पे दल के सदस्य टाइगर के दल के सदस्य जो है अबरार और करण को आतिश और जावेद मार देते हैं जो कि ईरानी का पता फिर बाद में लगाया जाता है फिर टाइगर और जोया ईरानी को भगाने में मदद करते हैं लेकिन हसन और जो है जावेद मारे जाते हैं इस चक्कर में फिर टाइगर और आतिश के बीच लड़ाई हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप टाइगर आतिश को मार देता है ईरानी ने जनता के सामने जो है आतिश की साजिश का खुलासा किया और टाइगर जोया और उनकी टीम वहां पर निर्दोष साबित हुई क्रेडिट के बाद के दृश्य में कर्नल सुनील लूथरा की कबीर और फिर जो है धाली वाला से संपर्क किया जाता है और उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या करने का काम सौंपा जाता है कहानी के एंडिंग में तो दोस्तों ये कहानी है टाइगर थ्री फिल्म की वही दोस्तों टाइगर थ्री फिल्म को शुरू में ईद के अवसर पर इक्कीस इक्कीस अप्रैल दो को रिलीज किया रहा था लेकिन इसके बाद इसे बारह नवम्बर दो तक के लिए स्थगित कर दिया गया और दिवाली के अवसर पर इसे तमिल और तेलुगु में डॉफ के संस्करणों के साथ हिंदी में दुनिया भर में आठ नौ सौ स्क्रीन पे रिलीज किया गया है वहीं भी दोस्तों आपको बता दें इस्लामिक देशों के नकारात्मक चीत रन के कारण फिल्म को ओमान और कुवैत और जो है कतर में प्रतिबंध कर दिया गया है वहीं भी पिंग गोवेला के हिमेश मानकड़ ने फिल्म को फाइव में से त्रिपोन फाइव स्टार दिया है और लिखा है टाइगर थ्री फिल्म में सलमान खान कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी के दमदार प्रदर्शन के साथ जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस है जबकि कुछ स्थानों पर गति एक मुद्दा बना हुआ है मुख्य कथानक में काफी कुछ छुपा हुआ है बड़े पर्दे पर आपको बाध्य रखने के लिए काफी है उन्होंने कहा और एक भावनात्मक जुड़ाव भी इससे जुड़ा हुआ है ये फिल्म एक एक्शन से भरपूर मनोरंजन फिल्म है बताया जिसमें सलमान खान की अब तक की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बनने की सभी तत्व मौजूद है कहा गया है न्यूज अठारह के सुनील रेढिया ने फिल्म को फाइव में से थ्री स्टार दिया है और लिखा है टाइगर थ्री फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है वहीं इमरान हाशमी एक खलनायक के रूप में अपनी भूमिका के साथ न्याय करते हैं टाइगर थ्री फिल्म में कैमियो में जिसे हर कोई जो है जानता है कि उनके सहित कई जो है मधुर योग्य क्षण भी है सलमान के प्रशंसक जो है इस दिवाली पर दावत कबूल करेंगे चौबीस का और फर्स्ट पोस्ट के बिनम र ने भी इस फिल्म को रिव्यू किया है और उन्होंने फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया और लिखा है सलमान खान और कैटरीना कैफे बुरे जोश के साथ भाग तीन के एक्शन के लिए खुद को प्रस्तुत किए हुए हैं जो कि फिल्म स्टाइलिश और फिर जो है लीक है लेकिन छोटी भी दिखती है लंबे समय तक जो है केवल अगर इसमें जो है अधिक रोमांस और तनाव होता तो ये भी बेहतरीन हो सकता था टाइम्स ऑफ इंडिया के रौनक कोटेचा ने फिल्म को फाइव से थ्री स्टार दिया है और लिखा है टाइगर थ्री बड़े पैमाने पर मनोरंजन के लिए पर्याप्त और फिर जो है बारूद के साथ फिल्म चाइनेजी के लिए एक अच्छा अतिरिक्त है वही इंडिया टुडे के जीनिया बंधो पाध्या ने फिल्म को फाइव से थ्री पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग दिया और वहीं पे एस एन डी ने लिखा है कि अत्यारी जो है भीर भरे जासूसी जगत के बावजूद टाइगर अपनी जो अपनी जो है पकड़ बनाए रखने में कामयाबी रहा है सलमान खान के प्रशंसक जो है निराश नहीं होंगे लेकिन कोई कटिना कैफ को जोया

फाइव से थ्री स्टार स्टार दिया है और विशाल सलमान खान के बारे में कहा है कि इसे अवश्य देखना चाहिए इसलिए नहीं कि ये एक उत्कृष्ट कृति है बल्कि इसलिए कि यह हर रोज नहीं होता है कि आप सलमान खान की फिल्मों को जाकर सिनेमा घरों में देखो वही खान को स्क्रीन जो है स्पेस साझा करते हुए देखे भले ही दोस्तों वह ऐसा क्यों नहीं हो क्योंकि थोड़ी देर बाद निर्देशक जो है मनीष शर्मा ने सभी जो तत्वों को इस तरह जो है पैक किया है कि ये एक दिलचस्प गाड़ी बनकर उभरती है जबकि कहानी और व्यापक जो है कहाना काफ़ी जटिल और जटिल है जिसमें जो हर कुछ मिनटों में एक नया मोड़ सामने आने की प्रतीक्षा में है लेकिन जो समस्या बनी हुई है वह यहाँ पे अनुसंगत गति द कोविन के प्रत्यक्ष जो है मिश्रा ने फिर यही लिखा है कि टाइगर थ्री उन फिल्मों में से एक है जिन्हें शुद्ध एक्शन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी टाइगर और जूया के बीच की प्रेम कहानी और फिर जो है टाइगर फ्रेन चैनी का मुख्य आकर्षण है और इसके बजाय टाइगर थ्री एक उदाहरण उदाहरणकर्ता परिसर और प्रदर्शन की मदद जो है मिशन पर भी केंद्रित है वही भी आपको बता दें बावजूद टाइगर थ्री में कहानी को बनाने के लिए आवश्यक रोमांस और वहाँ पे चुप जो है यहाँ पे यानी कि चुट जबाए हुए एक चीज आपको जरूर देखने को मिलती है इससे पहले दोस्तों बजरंगी भाई जन के आठ साल बाद सलमान खान फिर से जो है पाकिस्तान पहुंचे इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं बल्कि निर्देशक जो है मनीष शर्मा ने टाइगर को राजनीतिक रूप से जो है विवेकपूर्ण बनाए रखने के लिए राष्ट्रग्रान के साथ साथ जो है प्रभु का नाम दोनों का ही आह्वान किया लेकिन यहाँ पे जासूस इसके जो आध्यात्मिक जो है चचेरे भाई पठान जितना जो है तेज नहीं निकला जिसने जो है इस साल की शुरुआत में भी इस तरह के भू और राजनीतिक क्षेत्रों में शिकार जरूर हुआ वह जो बता दें श्रीधर राघवन द्वारा लिखित की गई जिन्होंने शाहरुख खान की वहां पे शाहरुख खान की वापसी वाली एक्शन फिल्म भी लिखी थी उसकी कहानी और फिर यश फिल्म के विस्तारित जो है देसी जासूसी ब्राहमान के इस जो है नबी पर पठान की छाया स्पष्ट है जो कि प्रतिपक्षी आतिश रहमान और फिर जो इमरान हाशमी फिर से एक दुष्ट एजेंट है जो कि फिल्म के अंदर व्यक्तिगत जो है नुकसान को राजनीतिक जो है एजेंट के साथ जोड़ते हैं अंतर यह है कि इस बार वह पाकिस्तान की आईएसआई से संबंधित है इस मूवीज के अंदर वही दोस्तों बता दें पूर्वा जो है आईएसआई एजेंट जोया कैफ के, के साथ जो उसका गहरा पुराना संबंध है जो अब जो अब ऑस्ट्रेलिया में टाइगर और उनके बेटे जूनियर के साथ एक शांति जीवन जी रही है क्या जोया जो है जो जो भारत के हितों के खिलाफ काम कर रही है क्या विश्वास की क्या विश्वास की जो है छड़ा वो उपयुक्त रूप से जो है सासी है और जोया की पृष्ठभूमि में हमें एक कैसी कथा में खींचा जाता है जो हर कुछ मिनटों में कुछ एक्शन कोरियोग्राफी के साथ जो है होती है लेकिन मुख्य बिंदु यह है कि शाहरुख खान का एक और कैमियो है जो कि जनता के लिए एक सीटी लाइक और सीक्वेंस तैयार किया हुआ है फिल्म के अंदर वही दोस्तों बता दे पीपा ने यह लिखा है कि फिल्म समीक्षा जो है इस उबड़ और खबर यूथ फिल्म का निर्देशन इन्होंने भी किया है जो कि बता दे फिल्म के अभिनेता सलमान खान और कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी और उनके अलावा कुमुद मिश्रा भी आपको देखने को मिलते हैं कहानी एक प्रतिशोध प्रतिशोधपूर्वक आई एजेंट टाइगर और जूया को एक ऐसे मिशन पर जाने के लिए मजबूर करती है जो उनके संबंधित देशों के लिए उनकी और उनके अलावा जो अखंडता को खतरे में डाल देता है लेकिन बीच में आपको बता दें भावनात्मक जो है यहाँ पे टिपेस्ट्री हमें जो है प्रभावित करने में विफल रहती है और यहाँ पे खुफिया जानकारी बुद्धिमानी नहीं बनती है जो कि एक साथ जो है रखने पर हुआ एक दीपावली और फिर जो है रेसिपी का स्वाद देते हैं जो कि बासी हुई और इसका जो है मतलब ये है कि साजिश हमें कभी भी जो है हमारे सीटों के किनारे तक जो है लाने की धमकी नहीं देता है मूवीज के अंदर इसी तरह दोस्तों सतही रूप से जो है जटिल कथानों को चलाने वाली और वहीं पे वास्तविक जो है राजनीतिक और उतनी जो है समाचार योग्य नहीं है जितनी कि हमने पिछली किश्तों में देखी हुई है वहीं सलमान खान की फिल्म को परिभाषित करने वाला जो है मजेदार तत्व उतना रसदार नहीं है जितना की फ्रेंची से उम्मीद की जाती उम्मीद की जा सकती है कुछ गहन संवाद भी है जो कि अंकुर चौधरी जैसे अब जो है आईएसआई के नेक जो है इरादे वाले मही महीन देश और उनके अलावा दानिश जो है हुसैन का भी इसमें कुछ चीजें हमें देखने को मिला हुआ है तो दोस्तों ये सभी चीजें बेहतरीन है फिल्म को देखने के लिए वही दोस्तों आपको बता दे अगर आप लोग इस मूवीज को देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको अभी सिनेमाघरों में देखने को मिलता है दोस्तों ये फिल्म आपको कहीं भी अभी नहीं देखने को मिलेगा ये फिल्म अभी, अभी आपको सिनेमाघरों में ही देखने को मिल रहा है वही दोस्तों फिल्म की अब तक की टोटल इनकम के बारे में हम बात कर ले तो अभी तक दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे दो करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई किया है तो चलिए दोस्तों अब हम ऐसे विस्तार में बात कर लेते हैं टाइगर थ्री फिल्म के बारे में बता दे दोस्तों ये फिल्म साल दो में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है और इस मूवीज को यशरज फिल्म के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है वही पे दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर सलमान खान कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी ने अभिनय किया है वही दोस्तों बता दें आपको ये फिल्म टाइगर जिंदा है मूवी की साल 2017 में रिलीज हुई की अगली कड़ी है वहीं पे ये फिल्म वाई आर एफ एस पाई यूनिवर्स में पांचवी किस्त है इसी के साथ आपको बता दें ये फिल्म टाइगर जिंदा है मूवी साल 2017 में और वार फिल्म 2019 और पठान फिल्म 2023 की घटनाओं पर फिल्म की कहानी आधारित है जो कि टाइगर जिंदा है की घटनाओं के बाद टाइगर और जोया को आतिश रहमान नाम के एक पूर्वा आई एस एजेंट द्वारा फिल्म के अंदर देश के रूप में फंसाया जाता है और वो अपना नाम साफ करने के लिए जान लेवा जो है धर्म युद्ध पर उतर आते हैं दोस्तों ये कहानी आपको इस मूवीज के अंदर देखने को मिलती है तो तो अगर बात करें फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की तो इस मूवीज की फोटोग्राफी मार्च 2021 में दिल्ली मुंबई और इस्तांबुल में शुरू हुआ था इस्तांबुल में सेट जो है पीटर्स बर्ग और में फिल्म फिल्मांकन के साथ जो है शुरू हुई और फिल्म का साउंड के बारे में हम बात कर ले तो प्रीतम द्वारा तैयार किया गया है फिल्म के म्यूजिक को जबकि आपको बता दें बैकग्राउंड स्कोर तनुज टिकू द्वारा तैयार किया गया है वहीं इस मूवीज़ की बजट के बारे में हम बात करें तो इस पूरी फिल्म को बनाने में तीन सौ करोड़ रुपए खर्च हुए हैं या दोस्तों और ये एक बहुत बड़ी रकम है किसी हिंदी बॉलीवुड फिल्म के लिए टाइगर थ्री फिल्म को दिवाली के मौके पर जैसे कि आप लोग को पता है बारह नवम्बर दो को रिलीज किया गया था आई मेक्स और फिर अन्य प्रीमियर जो है प्रारूपों में रिलीज किया गया था और दोस्तों रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है खास करके फिल्म का एक्शन दृश्य और उनकी जो प्रशंसाएं हैं और फिल्म में जो टेक्निकी पहलू का इस्तेमाल किया गया है वो भी ठीक ठाक है वही दोस्तों विकास के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म की विकास 2020 की शुरुआत में ये बताया गया था कि फिल्म टाइगर जिंदा है मूवी का साल 2017 का सीक्वल विकसित में आया हुआ है इसमें मुख्य अभिनेता अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे और 2020 के एंडिंग तक जो है अली अब्बास जाफर की जगह लेते हुए मनीष शर्मा को फिल्म का निर्देशन करने के लिए चुना गया था अब अभिनेता सलमान खान और कैटरीना कैफ को पूर्वाओ की भूमिका को दोबारा निभाने की पुष्टि की गई थी और फिल्मांकन मार्च 2021 के तीसरे हफ्ता में शुरू होने की सूचना भी मिली थी 26 फरवरी 2021 को मुंबई के वाई आर एफ स्टूडियो में एक पारंपरिक पूजा आयोजित की गई थी फिर 4 मार्च 2022 को यशरस फिल्म द्वारा इस परियोजना की आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी वही दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बात कर ले तो आपको बता दे सानु शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थे इस मूवीज के लिए और फरवरी दो में सलमान खान और कैटरीना कैफ के टाइगर और जोया के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराने की पुष्टि कर दी गई थी साथ ही इमरान हाशमी ने भी इस परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे टाइगर जिंदा है मूवी में अनुपस्थिति रहने के बाद रणबीर शैरी की फ्रेंचाइनिजी में वापसी की घोषणा कर दी गई मिसाल जेठवा अक्टूबर दो में कलाकारों में शामिल हुए थे जबकि जो है रेवती और रिद्धि जो है डोगरा को एक महीने बाद चुना गया था फिल्म के अंदर शाहरुख खान और ऋतिक रोशन ने कैमियो भूमिका में क्रमश पठान और मेजर कबीर जो है धाली वाला के रूप में अपनी भूमिका इसमें दोहराई है वही दोस्तों प्रमुख फोटोग्राफी मार्च 2021 में दिल्ली और इस्तांबुल में इस मूवीज की कार्यकारी जो है और फोटोग्राफी वहीं भी शुरू हुआ था वहीं इस्तांबुल में इसको शूट किया गया जबकि अगस्त 2021 में सेंट जो है पीटर्स बर्ग में एक कार का पीछा करने का दृश्य फिल्माया गया था वहीं पर आपको बता दें अतिरिक्त जो है दृश्य सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया में फिल्माए गए और भारत में फरवरी 2022 तक नई दिल्ली में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ और आगे के एक्शन दृश्यों को अप्रैल 2023 में मुंबई में फिल्माया गया था शाहरुख खान का कैमियो मॉड आइलैंड में 10 दिनों के शेड्यूल के भीतर जो है फिल्माया गया था इस मूवीज़ के अंदर जहां आपको बता दे एक एक्शन सीक्वेंस के लिए एक बड़े सेट का निर्माण भी किया गया था वहीं पे ऋतिक रोशन के कैमियो का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया था जो कि यूनिवर्स की अगली किस्त वार टू का निर्देशन करेंगे मुख्य फोटोग्राफी मई 2023 में, में संपन्न हुई थी ये सब चीजें टाइगर थ्री का मैसेज जो है शीर्षक से एक टीजर 27 सितंबर 2023 को जारी किया गया था यूट्यूब पे आधिकारिक ट्रेलर 16 अक्टूबर 2023 को जारी हुआ था यश राज चैनल के ऊपर वही दोस्तों अगर कहानी को रिव्यू कर ले तो दोस्तों फिल्म की कहानी उन्नीस में शुरू होती है सन उन्नीस में जोया ने अपने पिताज भाई आई एस एजेंट रेहान नजर को एक कार बम विस्फोट में मरते हुए देखा था उसके अंतिम जो है सं के बाद जोया को नजर के शिष्या आतीश जो है रहमान द्वारा आई एस आई में शामिल होने के लिए भर्ती किया जाता है फिल्म में वर्तमान समय में आपको बता दें अविनाश टाइगर सिंह राठौर को रोह प्रमुख जो है मैथिली मिलन द्वारा टाइगर के पूर्वा हैंडल गोपी आर्या को बचाने के लिए एक मिशन के लिए बुलाया जाता है तो चलिए दोस्तों अब हम ऐसे विस्तार में बात कर लेते हैं टाइगर थ्री फिल्म के बारे में बता दें दोस्तों ये फिल्म साल दो में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित किया गया है और इस मूवीज को यशरस फिल्म के तहत आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित किया गया है वही भी दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म के अंदर सलमान खान कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी ने अभिनय किया है वही दोस्तों बता दें आपको ये फिल्म टाइगर जिंदा है मूवी की साल 2017 में रिलीज हुई की अगली कड़ी है वहीं पे ये फिल्म वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स में पांचवी किस्त है इसी के साथ आपको बता दें ये फिल्म टाइगर जिंदा है मूवी साल 2017 में और वार फिल्म 2019 और पठान फिल्म 2023 की घटनाओं पर फिल्म की कहानी आधारित है जो कि टाइगर जिंदा है की घटनाओं के बाद टाइगर और जोया को आतिश रहमान नाम के एक पूर्वा आई एजेंट द्वारा फिल्म के अंदर देशद्रोह के रूप में फंसाया जाता है और वो अपना नाम साफ करने के लिए जान जो है धर्म युद्ध पर उतर आते हैं दोस्तों तो ये कहानी आपको इस मूवीज के अंदर देखने को मिलती है अगर बात करें फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी की तो इस मूवीज़ की फोटोग्राफी मार्च 2021 में दिल्ली मुंबई और इस्तांबुल में शुरू हुआ था इस्तांबुल में सेट जो है पीटर्स बर्ग और में फिल्म फिल्मांकन के साथ जो है शुरू हुई और फिल्म का साउंड के बारे में हम बात कर ले तो प्रीतम द्वारा तैयार किया गया है फिल्म के म्यूजिक को जबकि आपको बता दें बैकग्राउंड स्कोर तनुज टिक्कू द्वारा तैयार किया गया है वहीं इस मूवीज़ की बजट के बारे में हम बात करें तो इस पूरी फिल्म को बनाने में तीन सौ करोड़ रुपए खर्च हुए हैं या दोस्तों और ये एक बहुत बड़ी रकम है किसी हिंदी बॉलीवुड फिल्म के लिए टाइगर थ्री फिल्म को दिवाली के मौके पर जैसे कि आप लोग को पता है बारह नवम्बर दो को रिलीज किया गया था आई मेक्स और फिर अन्य प्रीमियर जो है प्रारूपों में रिलीज किया गया था और दोस्तों रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है खास करके फिल्म का एक्शन दृश्य और उनकी जो प्रशंसाएं हैं और फिल्म में जो टेक्निकी पहलू का इस्तेमाल किया गया है वो भी ठीक ठाक है वही दोस्तों विकास के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म की विकास 2020 की शुरुआत में यह बताया गया था कि फिल्म टाइगर जिंदा है मूवी का साल 2017 का सीक्वल विकसित में आया हुआ है इसमें मुख्य अभिनेता अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे और 2020 के एंडिंग तक जो है अली अब्बास जाफर की जगह लेते हुए मनीष शर्मा को फिल्म का निर्देशन करने के लिए चुना गया था अब अभिनेता सलमान खान और कैटरीना कैफ को पूर्वाओ की भूमिका को दोबारा निभाने की पुष्टि की गई थी और फिल्मांकन मार्च दो के तीसरे हफ्ता में शुरू होने की सूचना भी मिली थी छब्बीस फरवरी दो को मुंबई के वाई आर स्टूडियो में एक पारंपरिक पूजा आयोजित की गई थी फिर 4 मार्च 2022 को यशराज फिल्म द्वारा इस परियोजना की आधिकारिक घोषणा कर दी गई थी वही दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन के ऊपर बात कर ले तो आपको बता दे सानु शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर थे इस मूवीज के लिए और फरवरी 2021 में सलमान खान और कैटरीना कैफ के टाइगर और जोया के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराने की पुष्टि कर दी गई थी साथ ही इमरान हाशमी ने भी इस परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे टाइगर जिंदा है मूवी में अनुपस्थिति रहने के बाद रणबीर सैरी की फ्रेंचाइनिजी में वापसी की घोषणा कर दी गई ठवा अक्टूबर दो में कलाकारों में शामिल हुए थे जबकि जो है रेवती और रिद्धि जो है डोगरा को एक महीने बाद चुना गया था फिल्म के अंदर शाहरुख खान और ऋतिक रोशन ने कैमियो भूमिका में क्रमश पठान और मेजर कबीर जो है धाली वाला के रूप में अपनी भूमिका इसमें दोहराई है वही दोस्तों प्रमुख फोटोग्राफी मार्च दो में दिल्ली और इस्तांबुल में इस मूवीज की कार्यकारी जो है और फोटोग्राफी वहीं पे शुरू हुआ था। में इसको शूट किया गया जबकि अगस्त 2021 हजार सितम्बर दो हजार इक्कीस में ऑस्ट्रेलिया में का फिल्माए गए और भारत में फरवरी दो तक नई दिल्ली में फिल्मांकन से शुरू हुआ और आगे के एक्शन दिवसों को अप्रैल 2023 में मुंबई में फिल्माया गया था शाहरुख खान का कैमियो मॉड आइलैंड में 10 दिनों के शेड्यूल के भीतर जो है फिल्माया गया था इस मूवीज के अंदर जहां आपको बता दे एक, एक, के लिए एक बड़े सेट का निर्माण भी किया गया था वहीं पर ऋतिक रोशन के कैमियो का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया था जो कि यूनिवर्स की अगली किस्त वार टू का निर्देशन करेंगे मुख्य फोटोग्राफी मई दो में संपन्न हुई थी सब चीजें टाइगर थ्री का मैसेज जो है शीर्षक से एक टीजर 27 सितंबर 2023 को जारी किया गया था यूट्यूब पे आधिकारिक ट्रेलर 16 अक्टूबर 2023 को जारी हुआ था यश राज के यूट्यूब चैनल पे ऑफिशियली जो कि आपको अभी भी इसका ट्रेलर देखने को मिल जाता है यश राज प्रोडक्शन के ऊपर वही दोस्तों अगर कहानी को रिव्यू कर ले तो दोस्तों फिल्म की कहानी उन्नीस में शुरू होती है सन उन्नीस में जोया ने अपने पिताज भाई आई एस एजेंट रेहान नजर को एक कार बम विस्फोट में मरते हुए देखा था उसके अंतिम जो है संस्कार के बाद जोया को नजर के शिष्य आतीश जो है रहमान द्वारा आईएसआई में शामिल होने के लिए भर्ती किया जाता है फिल्म फिल्मे वर्तमान समय में आपको बता दें अविनाश टाइगर सिंह राठौर को रो प्रमुख जो है मैथिली मिलन द्वारा टाइगर के पूर्वा हैंडल गोपी आर्या को बचाने के लिए एक मिशन के लिए बुलाया जाता है फिर जिसे जो है पाकिस्तान में योजना बनाए जा रहे एक मिशन के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया गया था फिर वो अपने बचाव के बाद गोपी ने खुलासा किया था कि जोया नियोजित जो है मशीन का हिस्सा है और कुछ ही समय बाद वो मर जाती है टाइगर जोया की जासूसी करना शुरू कर देता है और बाद में उसे रूस में रो एजेंट और फिर जो है से की सुरक्षा का मौका सौंप देता है जो गोपी के साथ काम कर रहा था और पाकिस्तान में जो है बेनकाब होने के पाकिस्तान में बेनकाब होने के बाद जो है देश में वो भाग गया था फिर टाइगर ने जोया को शेख किए हत्या के प्रयास का गवाह बनाया फिर उसे बचाने के बाद टाइगर को आतिश ने पकड़ लिया था जिसने खुलासा किया था कि उसने जोया को लगभग जो है नशीला पदार्थ खिलाकर और और उसे और टाइगर के बेटे जूनियर का अपहरण करके शेख की हत्या करने के लिए मजबूर किया था वही टाइगर और जोया जो है जूनियर के बदले में इस्तांबुल में आतिश के लिए साइन अप हो चुके थे और वो मिसाइल लॉन्च को वहाँ पे मिसाइल लॉन्च कोड वाला एक जो है बी बी फ्रिकेस चुराने के लिए कहा था, चुराने के लिए कहा था आतिश ने टाइगर और इसके परिणाम स्वरूप टाइगर को पाकिस्तान में कैद कर लिया जाता है उसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अनुक्रम में यह पता चलता है कि आतिश ने बारह बारह साल पहले आतिश ने बारह साल पहले प्रमुख भारतीय सेना जनरल की हत्या करके जो है बियन में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति शादी हुई थी वही पट्टी से उतरने की कोशिश की थी जोया द्वारा योजना में सहयोग करने से इनकार करने के बाद वह गुप्त रूप से टाइगर को सूचित कर दिया गया था वही आतिश की जो है गर्भवती पत्नी साहिन बेग हत्या का प्रयास करता है लेकिन टाइगर द्वारा उसे गोली मार दी जाती है आतिश इस बात से इनकार करता है कि उसके एजेंटों को योजना के बारे में पता था और बाद में उसे कैद कर लिया गया और वहाँ पे आईएसआई से जो है बाहर उसको कर दिया गया था अब टाइगर को मौत की सजा दी जाती है इसके बाद इसके बाद टाइगर को मौत की सजा दी जाती है लेकिन वह पठान की मदद से जेल से भागने में सफल हो जाता है वह उसके बाद जो इस्लामाबाद जाता है और अपने जो है दत्तक पोत्रा हसन से मिलता है जो कि एक हैकर है इसे टाइगर ने बचपन में एक आतंकवादी समूह से बचाया था टाइगर की टीम जोया और वहाँ पे आईएसआई एजेंट वहाँ पे अबराज और जो है जावेद इस्तांबुल में वहाँ इंतजार कर रहे थे ये सभी लोग फिर इस्तांबुल लौट आते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि आतिश और पाकिस्तानी सेना के जनरल पे इम्तियाज हक जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या करने की योजना बना रहे हैं ताकि आतिश उनकी जगह ले सके टाइगर जोया और उनकी टीम गुप्त रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रवेश करती है और ईरानी को योजना सब कुछ बता देती है और फिर टाइगर और जोया ईरानी को एक यहाँ पे भूमिगत जो है बंकर में लेकर जाते हैं वहाँ पे टाइगर हक को और फिर जो है सार्वजनिक रूप से योजना का खुलासा करने के लिए मजबूर कर देते हैं हालांकि आतिश गुप्त रूप से जावेद की मदद से हक को मार देता है जो कि शाहन का भाई जो है उसे बताया जाता है और टाइगर को हकी हत्या के लिए फंसा दिया जाता है टाइगर के वहाँ पे दल के सदस्य टाइगर के दल के सदस्य जो है अबरार और करण को आतिश और जावेद मार देते हैं जो कि ईरानी का पता फिर बाद में लगाया जाता है फिर टाइगर और जोया ईरानी को भगाने में मदद करते हैं लेकिन हसन और जो है जावेद मारे जाते हैं इस चक्कर में फिर टाइगर और आतिश के बीच लड़ाई हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप टाइगर आतिश को मार देता है ईरानी ने जनता के सामने जो है आतिश की साजिश का खुलासा किया और टाइगर जोया और उनकी टीम वहाँ पी निर्दोष साबित हुई क्रेडिट के बाद के दृश्य में कर्नल सुनील लूथरा की कबीर और फिर जो है धाली वाला से संपर्क किया जाता है और उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या करने का काम सौंपा जाता है कहानी के एंडिंग में तो दोस्तों ये कहानी है टाइगर थ्री फिल्म की वही दोस्तों टाइगर थ्री फिल्म को शुरू में ईद के अवसर पर इक्कीस इक्कीस अप्रैल 2023 को रिलीज किया जा रहा था लेकिन इसके बाद इसे 12 नवंबर 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया और दिवाली के अवसर पर इसे तमिल और तेलुगु में डॉफ के संस्करणों के साथ हिंदी में दुनिया भर में अर्च नौ सौ स्क्रीन पर रिलीज किया गया है वहीं भी दोस्तों आपको बता दें इस्लामिक देशों के नकारात्मक चीत के कारण फिल्म को ओमान और कुवैत और जो है कतर में प्रतिबंध कर दिया गया है वहीं भी पिंक दुवेला के हिमेश माकड ने फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया है और लिखा है टाइगर थ्री फिल्म में सलमान खान कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी के दमदार प्रदर्शन के साथ जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस है जबकि कुछ स्थानों पर गति एक मुद्दा बना हुआ है मुख्य कथानक में काफी कुछ छुपा हुआ है बड़े पर्दे पर आपको बाध्य रखने के लिए काफी है उन्होंने कहा और एक भावनात्मक जुड़ाव भी इससे जुड़ा हुआ है ये फिल्म एक एक्शन से भरपूर मनोरंजन फिल्म है बताया जिसमें सलमान खान की अब तक की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बनने की सभी तत्व मौजूद है कहा गया है न्यूज अठारह के सुनील डेढ़िया ने फिल्म को फाइव से थ्री स्टार दिया है और लिखा है टाइगर थ्री फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ के साथ कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस भी है वहीं इमरान हाशमी एक खलनायक के रूप में अपनी भूमिका के साथ न्याय करते हैं टाइगर थ्री फिल्म में कैमियो में जिसे हर कोई जो है जानता है कि उनके सहित कई जो मधुर योग्य क्षण भी है सलमान के प्रशंसक जो है इस दिवाली पर दावत कबूल करेंगे चौबीस का और फर्स्ट पोस्ट के बिनम्र माथुर ने भी इस फिल्म को रिव्यू किया है और उन्होंने फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया

पर्याप्त और फिर बारूद के साथ फ्रेंच चाइनीज़ी के लिए एक अच्छा है। वही इंडिया रेटिंग दिया और वहीं पे एस ने लिखा है की त्यारी जो है वीर भरे जासूसी जगत के बावजूद टाइगर अपनी जो, अपनी जो है पकड़ बनाए रखने में कामयाबी रहा है सलमान खान के प्रशंसक जो है निराश नहीं होंगे लेकिन कोई कटिना कैफ को जोया शरीश की फिल्म दे दे तो वहाँ पे एंडी टी वी के सहबल ने भी फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दी वही उन्होंने इन सितारों के साथ लिखा है कि एक या दो सितारों की उपस की उपस्थिति के बिना फिल्म की यात्रा व्यर्थ हो जाती है जो सतही स्तर की लगती है फिल्म की कहानी वही दोस्तों आगे फिल्म के बारे में ये भी रिव्यू करके बताया गया है कि फिल्म की कहानी ठीक ठाक है जिसे एक बार जरूर देखना चाहिए था इसके अलावा दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से मोनिका रावल जिन्हें फिल्म को रिव्यू किया इन्होंने फाइव से थ्री स्टार स्टार दिया है और विशाल सलमान खान के बारे में कहा है कि इसे अवश्य देखना चाहिए इसलिए नहीं कि ये एक उत्कृष्ट कृति है बल्कि इसलिए कि यह हर रोज नहीं होता है कि आप सलमान खान की फिल्मों को जाकर सिनेमा घरों में देखो वही खान को स्क्रीन जो है स्पेस साझा करते हुए देखे भले ही दोस्तों वह ऐसा क्यों नहीं हो क्योंकि थोड़ी देर बाद निर्देशक जो है मनीष शर्मा ने सभी जो है तत्वों को इस तरह जो है पैक किया है कि ये एक दिलचस्प गाड़ी बनकर उभरती है जबकि कहानी और व्यापक जो है कधाना काफ़ी जटिल और जटिल है जिसमें जो हर कुछ मिनटों में एक नया मोड़ सामने आने की प्रतीक्षा में है लेकिन जो समस्या बनी हुई है वह यहाँ पे अंसंगत गति द दुविन के प्रत्यक्ष जो है मिश्रा ने फिर यही लिखा है कि टाइगर थ्री उन फिल्मों में से एक है जिन्हें शुद्ध एक्शन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी टाइगर और जूया के बीच की प्रेम कहानी और फिर जो है टाइगर फ्रेन चैनी का मुख्य आकर्षण है और इसके बजाय टाइगर थ्री एक उदाहरण उदाहरणकर्ता परिसर और प्रदर्शन की मदद जो है मिशन पर भी केंद्रित है वही भी आपको बता दें रोए स्टार में नए जोड़े जाने और फिर जो है जो है है पुराने परिचित किए गए चेहरों के के मिश्रण में लौटने बावजूद टाइगर थ्री में कहानी को बनाने के लिए आवश्यक रोमांस और, और वहाँ पे चुपचाप जो है यहाँ पे यानी कि चुट जबाए हुए एक चीज आपको जरूर देखने को मिलती है इससे पहले दोस्तों बजरंगी भाई जन के आठ साल बाद सलमान खान फिर से जो है पाकिस्तान पहुंचे इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं बल्कि निर्देशक जो है मनीष शर्मा ने टाइगर को राजनीतिक रूप से जो है विवेकपूर्ण बनाए रखने के लिए राष्ट्र के साथ साथ जो है प्रभु का नाम दोनों का ही आह्वान किया लेकिन यहाँ पे जासूस इसके जो है जो है चचेरे भाई पठान जितना जो है तेज नहीं निकला जिसने जो है इस साल की शुरुआत में भी इस तरह के भू और राजनीतिक क्षेत्रों में शिकार जरूर हुआ वह यह बता दें श्रीधर राघवन द्वारा लिखित की गई जिन्होंने शाहरुख खान की वहां पे शाहरुख खान की वापसी वाली एक्शन फिल्म भी लिखी थी उसकी कहानी और फिर यश फिल्म के विस्तारित जो है देसी जासूसी ब्राह्मान के इस जो है नबी नबीनतम संस्करण पर पठान की छाया स्पष्ट है जो कि प्रतिपक्षी आतिश रहमान और फिर जो इमरान हाशमी फिर से एक दुष्ट एजेंट है जो कि फिल्म के अंदर व्यक्तिगत जो है नुकसान को राजनीतिक जो है एजेंट के साथ जोड़ते हैं अंतर यह है कि इस बार वह पाकिस्तान की आईएसआई से संबंधित है इस मूवीज के अंदर वही दोस्तों बता दें पूर्वा जो है आईएसआई एजेंट जोया कैफ के साथ जो उसका गहरा पुराना संबंध है जो अब जो अब ऑस्ट्रेलिया में टाइगर और उनके बेटे जूनियर के साथ एक शांत जीवन जी रही है क्या जोया जो है जो जो भारत के हितों के खिलाफ काम कर रही है क्या विश्वास की क्या विश्वास की जो है छाक रूप से जो है सासी है और जोया की पृष्ठभूमि में हमें एक कथा में कि शाहरुख है जो है, के है, है। है कि खान का एक और है, जो जनता के लिए एक सीटी लाइक और सीक्वेंस तैयार किया हुआ है फिल्म के अंदर वही दोस्तों बता दे पीपा ने यह लिखा है कि फिल्म समीक्षा जो है इस उबर और खबर यूथ फिल्म का निर्देशन इन्होंने भी किया है जो कि बता दे फिल्म के अभिनेता सलमान खान और कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी और उनके अलावा कुमुद मिश्रा भी आपको देखने को मिलते हैं कहानी एक प्रतिश्रोधपूर्वक आई सही एजेंट टाइगर और जूया को एक ऐसे मिशन पर जाने के लिए मजबूर करती है जो उनके संबंधित देशों के लिए उनकी और उनके अलावा जो अखंडता को खतरे में डाल देता है लेकिन बीच में आपको बता दें भवनात्मक जो है यहाँ पे टिपेस्ट्री हमें जो है प्रभावित करने में विफल रहती है और यहाँ पे खुफिया जानकारी बुद्धिमानी नहीं बनती है जो कि एक साथ जो है रखने पर वह एक दीपावली और फिर जो है रेसिपी का स्वाद देते हैं जो कि बासी हुई और इसका जो है मतलब ये है कि साजिश हमें कभी भी जो है हमारे सीटों के किनारे तक जो है लाने की धमकी नहीं देता है मूवीज के अंदर इसी तरह दोस्तों सतही रूप से जो है जटिल कथानों को चलाने वाली और वहीं पे वास्तविक जो है राजनीतिक और उतनी जो है समाचार योग्य नहीं है जितनी कि हमने पिछली किस्तों में देखी हुई है वही सलमान खान की फिल्म को परिभाषित करने वाला जो है मजेदार तत्व उतना रसदार नहीं है जितना कि से उम्मीद की जाती उम्मीद की जा सकती है कुछ गहन संवाद भी है जो, अंकुर चौधरी जैसे अब जो है आई एस आई के नेक जो है इरादे वाले मही महीन देश और उनके अलावा जो है हुसैन का भी इसमें कुछ चीजें हमें देखने को मिला हुआ है तो दोस्तों ये सभी चीजें बेहतरीन है फिल्म को देखने के लिए वही दोस्तों आपको बता दे अगर आप लोग इस मूवीज़ को देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपको अभी सिनेमाघरों में देखने को मिलता है दोस्तों ये फिल्म आपको कहीं भी अभी नहीं देखने को मिलेगा ये फिल्म अभी आपको सिनेमाघरों में ही देखने को मिल रहा है वही दोस्तों फिल्म की अब तक की टोटल इनकम के बारे में हम बात कर ले तो अभी तक दोस्तों इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे दो करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई किया है अभी भी इस मूवीज को अपने बजट को रिकवर करने के लिए कम से कम पचास करोड़ रुपए कमाना होगा और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये फिल्म अगर हिट हो तो कम से कम इस मूवीज को 500 करोड़ तो कमाई करना होगा तो दोस्तों ये है खबर टाइगर थ्री मूवीज की तो उम्मीद सुमित कर्तव आज का एक्सप्रेशन आपको जरूर पसंद आया होगा तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही तुम्हें मिलता हुआ आपसे कौन नई वीडियो में तब तक के लिए ट्रिल एन सीओ सुन